आज से पहले इसके पहले किसी ने भी इस अमाउंट को इधर उधर नहीं किया था। हर्षद मेहता थॉट जब मेरे पास पैसे पड़े ही हैं तो उसको मैं और इंटरेस्ट क्यों नहीं बनाऊँ, उसमें रिटर्न क्यों नहीं बनाऊँ, तो उसमें शेयर मार्केट में लगाने लगे। वॉरेन बफेट सर हर कोई कहते हैं दुनिया के बढ़िया इन्वेस्टर हैं, उन्होंने खुद ने शुरुआत ट्रेडिंग से करी थी। वो हर महीने इतना कमाते थे जितना रोनाल्डो साल में कमाता। आप अहमदाबाद चले जाओ, आप गुजरात चले जाओ, वहां पर बंदा कुर्ता पहनता है, स्कूटर चला रहा है, आपको लगेगा नॉर्मल इंसान है, वो अरबपति इंसान। प्रॉब्लम ये था कि भाई साहब सुबह सुबह भागे थे, ठीक है, और ये अपने पोजीशन क्लोज करना भूल गए तो 1500 करोड़ के 9000 करोड़ का नुकसान हो गया। बैंक के पास 8000 करोड़ था तो बैंक हो गई बैंकरप्ट। मैं एक रियलिटी बताऊं आपके, इसमें दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग फोर्ब्स लिस्ट में भी नहीं है। अच्छा, वैसे आप लॉस में हो लेकिन इतना ज्यादा चिल कैसे रहते हो? 70 लाख का अमाउंट मेरे लिए इतना बड़ा नहीं। स्टॉक मार्केट की आप थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताओ कि कैसे शुरू हुआ था, और फिर हम बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में, आप कैसे घुसे इसमें। यार तो देखो, स्टोरी तो बहुत पुरानी से शुरू होती है, लेकिन एक लेजिट तरफ से हम देखा जाए तो यूएस से इसका एक ज़्यादा क्रेज़ शुरू हुआ था। तो अगर अर्ली 1900s में अपन चलते हैं तो 1900s में बेसिकली क्या हुआ था कि जो यूएस एम्पायर था, यूएस गवर्नमेंट थी, वो चाहती थी कि यार हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा उन्नति हो। आप लोगों ने हिस्ट्री की किताबें पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो उस समय पे वो एक कंसेप्ट लेके आए कि किसी तरह से पूरी दुनिया को हमको आदत लगाना है कि वो चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू करें। तो अब क्या हो गया कि यूएस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगी, तो कुछ बड़े बिजनेसमैन थे, वो साथ में बैठे और वो बोले यार अपन को कुछ करना है जिससे कि हमारे चीज़ों के सेल्स बढ़े। क्योंकि अभी क्या हो रहा था, यूएस में न्यू इनोवेशन आई, न्यू टेक्नोलॉजी आई, लेकिन वो इतनी अच्छी थी कि अगर बल्ब होता था तो वो 50 साल तक चल रहा है। अच्छा, अगर लेगिंग्स, जो लड़कियों की लेगिंग्स होती है, वो एक बार बना दी तो 9 साल तक चल रही है। तो प्रोडक्ट तो अच्छा है, रिव्यू अच्छा है, फीडबैक अच्छा है, लेकिन कोई वापस लेगा नहीं तो सेल कैसी होगी, ठीक है। तो इन लोगों ने बैठ के ना एक कमेटी बनाई, इन लोगों ने बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा दया, कुछ तो गड़बड़ है और हमको सेल्स बढ़ानी है। तो ये लोग 3 सबसे बड़े वेपन लेके आए जो आज के समय पर पूरी दुनिया को बिगाड़ते हैं। पहला लेके आए मार्केटिंग। इन्होंने बोले हमको मार्केटिंग सबकॉन्शियस माइंड में, सबके दिमाग में मार्केटिंग करनी है, किसी तरह इनके माइंड में घुसाना है, दैट इज नंबर वन। दूसरा लेके आए कि यार लोग बोलेंगे कि हमारी तो सैलरी इतनी है, हमारे पास पैसा कैसा है, तो क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट, क्रेडिट का कंसेप्ट ले आए। कि बोले यार क्रेडिट लो आराम से, ईएमआई पे लो, 30 दिन बाद दो, ये चीज हो गई। और तीसरा इन्हें बोला, इन्हें फोर्स किया उस समय के सारे साइंटिस्ट लोगों को कि भाई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो सबसे बेस्ट नहीं है। मतलब अच्छा, उस समय पे सोचो सामने वाले के दिमाग में, इंजीनियर और साइंटिस्ट के दिमाग में टेंशन कितना होगा कि भाई हमको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बेस्ट होगा तो उसकी लॉन्गजेविटी ज़्यादा होगी। तो उनने थर्ड कंसेप्ट लगाया, सब में एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, दवाइयों में एक्सपायरी डेट हो गई सब में। तो ये कारण से क्या होगा, बहुत तगड़ा ग्रोथ होने लगा। पहले एक्सपायरी वगैरह नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, ये उन लोगों ने जानबूझ के बनाया। पहले जो दवाई होती थी ना, आप अगर दवाई लोगे तो वो 20 साल तक भी चलेगी। आज आप देख लो, साल साल भर के, 2 साल के, एट मैक्स 2 साल की डेट लगी रहती है। सही बात है। तो इन लोगों ने ये लाया। अब ये 3 कंसेप्ट लाने के कारण सेल्स हो रही है, धनाधन धनाधन, सारा कस्टमर बढ़ रहे हैं इस तरह से। अब पूरा हर्ष उल्लास के साथ सब कुछ चल रहा है और लोगों के अंदर एक अलग माहौल बन गया है, फिर पैसा भी बच रहा है, अब क्या करें, इन्वेस्ट करा जाए, तो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने लग गए। तो यहाँ से पहला क्रेज आना शुरू हो गया था। व्हाट दे डिडंट रियलाइज इज कि भाई साहब ये यूफोरिया है, ये एक बबल बन रहा है, क्योंकि सब लोग कर्जा ले रहे हैं, सब लोग मार्केटिंग के हिसाब से जा रहे हैं, इतनी वैल्यू नहीं है जितने वैल्यू पे खरीदते जा रहे हैं। और ये बबल बनते 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 1929 के टाइम पे ये ब्लास्ट हो गया। इसको कहते हैं आज की सदी में ग्रेट डिप्रेशन। अगर आप देखो 2020 में कोरोना में जब मार्केट गिरा था तो उसको बोलते हैं इतिहास की सबसे फास्टेस्ट रिकवरी हुई थी। 30 ईयर्स में आज तक इतने जल्दी कभी नहीं हुई थी। जो नीचे जाके आपको पता होगा, सेंसेक्स निफ्टी पूरी तरीके से ऊपर चले गया विद इन जस्ट फ्यू मंथ्स। ग्रेट डिप्रेशन में 25 साल लग गए, 25 ईयर्स फॉर द मार्केट्स टू रिकवर। तो लोगों का ना पूरा मोटिवेशन हिल गया था। उस समय पे एक कंसेप्ट हुआ था, उसको कहते हैं बैंक रन। तो बैंक रन एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे कि हमारे देश में भी शायद होने वाला था, मैं चाहूँगा कि आपकी ऑडियंस ही गेस कर ले कौन से बैंक में होने वाला था। तो हमारे देश की एक 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक थी, तो उस प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या हो गया कि खबरें आने लग गई कि भैया उनके जो CEO हैं उन्होंने थोड़े झोल झपाटे किए हुए हैं। तो अचानक से क्या हो गया, हर जगह खबर पहुंचने लग गई ये बता बैंक बंद हो जाएगी। तो बैंक रन में क्या होता है, लोग लाइनें लगा देते हैं अपनी डिपॉजिट्स निकालने के लिए। अब बैंक पैसा कैसा कमाती है, तो क्या करती है, हम जो डिपॉजिट करते हैं या फिक्स डिपॉजिट हमारी जो होती है, उसी पैसे को हमको वो 6-7% देगी, वो लोन दे देती है 10% में, 3-4% जो बचा वो उसका इनकम होता है। बट जस्ट इमेजिन अगर पहले 100 लोगों ने डिपॉजिट किया और 90 लोग विड्रॉ करने लग गए, तो बैंक की तो हालत खराब हो जाएगी, बैंक बंद। तो हमारे देश में भी ये चीज़ आ रही थी। तो ये बैंक रन उस टाइम पे बहुत हो गया, तो लोगों का बैंकिंग इंडस्ट्री से विश्वास उड़ गया,
लोगों का मार्केट से विश्वास उड़ गया, सब कुछ 25 साल लग गए इस चीज़ को। फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, फिर धीरे धीरे करके कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बनी, सारी चीज़ें बनी हैं, जिसके बाद धीरे 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 करके रिकवरी बनी। फिर जो नेक्स्ट बहुत बड़ा एक इवेंट मार्केट के हिसाब से होता है, वो बीच में एक एशियन क्राइसिस हुआ था, करेंसी क्राइसिस हो गया था, जो कि एक बहुत बड़ा पिवटल रोल प्ले किया था। और उसके बाद सीधे हम आ जाते हैं, अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, जो सबसे ज़्यादा पीक लिया था वो था 1970s के आसपास, 60s और 70s के आसपास। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि आज जो हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं, हम ट्रेड करते हैं, तो हम लोग तो वर्चुअली हम ऑनलाइन कर लेते हैं, उस समय पे किस हिसाब से ट्रेड होता था, बनियान ट्री होती थी, बनियान ट्री, ट्री के नीचे बैठ के लोग बोली लगाते थे, 2 रुपए में खरीद 4 रुपए में खरीद। ये बिफोर अर्शद मेहता है, तब बनियान ट्री के नीचे खड़े होते थे। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता है, इधर से ये कंसेप्ट मैं बताता हूँ, क्यों विदेशी बाजार को वॉल स्ट्रीट कहते हैं, कभी सुना है, सोचा है? नहीं नहीं नहीं। वॉल स्ट्रीट इसलिए कहते हैं, वो भी हम लोगों के कारण ही कहते हैं, क्योंकि जो साउथ एशियंस थे, इंडियंस हो गए, साथ में चाइनीज लोग थे, तो यूएस में भी यही सेम कंसेप्ट था, वहाँ पर भी लोग इस तरह बोला बोली करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, जो इंडियंस लोग थे और चाइनीज लोग थे, वो झांक झांक के देखते रहते थे कि अरे यार ये लोग क्या कर रहे हैं, और वो ट्रिक्स चुराने की कोशिश करते थे, अच्छा इस तरह से इधर शेयर मार्केट चलता है तो हम भी उधर ऐसा करेंगे, अच्छा इस तरह से बोली लगती हम भी करेंगे। तो हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इन लोगों ने वॉल खड़ी कर दी। अच्छा, तो उस स्ट्रीट पे जब वॉल खड़ी कर दी, तब से उसका नाम हो गया था वॉल स्ट्रीट। तो ये यहाँ से हुआ। तो फिर हम इंडिया में आ गए, बनियान ट्री हुआ, बनियान ट्री से फिर कुछ रूम्स हुआ, रूम से फिर उसके बाद आपने 92 सीरीज, स्कैम 92 सीरीज देखी होगी। हाँ हाँ। तो वहां पर आपने देखा होगा, पिट बोलते हैं उसको, रिंग बोलते हैं, जो जहां पर वो बोली लगाते ना, उंगली से बताते 2 रुपए 5 रुपए 6 रुपए, तो वो रिंग वाला कंसेप्ट आया। इस बीच में कुछ झोल झपाटे हुए थे, जैसे कि 1980s के जस्ट बाद, 1960s के जस्ट बाद हमारे देश का सबसे बड़ा पहला फाइनेंशियल स्कैंडल हुआ था, जिसको कहते हैं मुंद्रा कांड। बंदे ने एक लूपहोल निकाल लिया कि हमारे मार्केट में जो सबसे बड़ा प्लेयर है, जो उस समय पे सब कुछ देखता था और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करता था मार्केट में, तब अनऑर्गेनाइज था मार्केट, तो वो था हमारी एक इंश्योरेंस कंपनी। एंड पीपल कैन गेस इन द कमेंट्स कौन सी वो इंश्योरेंस कंपनी होगी। तो वो कंपनी ही सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट करती थी। इस बंदे ने बहुत सारी बोगस कंपनीज बनाना शुरू कर दी और उनको फ्लोट करने लग गया। और वो क्या करता था, इस इंश्योरेंस कंपनी के काफी सारे कर्मचारियों को पैसा खिला के बोलता था कि अपने मैनेजमेंट से इधर पैसा डलवा दो। तो ऐसे कर करके उसने करोड़ों का यहां पर ये चीज कर दी थी। फिर उसके बाद क्या हो गया था कि ये चीज पार्लियामेंट में पहुंची और वहां पर फिरोज गांधी जी थे, तो उन्होंने बोला कि यार बॉस यहां पर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। नेहरू जी उस समय पर जब बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला मेरे को तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, इतनी बड़ी चीज हमारे इसमें हो सकती है। आप बिलीव नहीं करोगे, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार कितने जल्दी वो स्कैम एक्सपोज होके कवर करके उसको सजा दिला गई, ओनली 24 डेज। 24 दिन के अंदर इंडिया में आपके एक कल्प्रिट को पकड़ा गया है और उसको सजा दी गई थी। तो इसमें इनने बोगस कंपनीज बनवाई थी, उनको वो लिस्ट करवाते थे और इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते थे। एट द एंड इसके चक्कर में क्या हो गया था कि इंस्टीट्यूशन भी पैसा किसका लगा रहा है, इंश्योरर्स का, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने पैसा किसका लगाया हुआ है, इंश्योरर्स का, तो उन्हीं का कहीं ना कहीं पैसा वेस्ट हो रहा है। तो वही वाली चीज थी। तो ये था पूरा मुंद्रा कांड, ये सबसे पहला बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैंडल ऑफ आवर कंट्री था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। अच्छा, ये भी सही है। और फिर ये हर्षद मेहता वाला कांड कब हुआ? तो हर्षद मेहता का सिंपल सा स्कैम था, उन्होंने बैंकिंग सिस्टम का एक लूपहोल निकाला। बैंकिंग सिस्टम का लूपहोल ये था कि बॉस उस समय पे क्या होता था कि एक बैंक दूसरे बैंक से जब आदान प्रदान करती थी बीआरएस के बेसिस पे, बैंक रिसिप्ट्स कहते थे, तो वो एक प्रॉपर उसका रिकॉर्ड बना के एक दूसरे को ट्रैक नहीं करती थी। और अर्शद मेहता इस चीज का लूप होल निकालना चाहता था। एक सीन होता था कि इसको इस तरह से समझो, सिंपल तरीके से समझो कि मान लो आप बैंक हो उमेर, तो आपसे अगर मैं पैसा लेने चाहता हूं तो मेरे पास 30 डेज का टाइम है, आप मेरे अकाउंट में वो पैसा डाल दोगे, आप बोलोगे कि इससे आप ट्रांजेक्शंस कर लो, बीच में जो कमीशन बचेगा आप रख लो और बाद में जो सामने वाली पार्टी को देना आप दे दो, तो 30 दिन तक वो मेरे अकाउंट पे इंटरेस्ट फ्री है। तो इस 30 दिन में मैं उस अमाउंट का कुछ भी करूं, किसी को कोई पता नहीं चल रहा। आज से पहले, इसके पहले किसी ने भी इस अमाउंट को इधर उधर नहीं किया था। हर्षद मेहता थॉट, जब मेरे पास पैसे पड़े ही हैं तो इसको मैं और इंटरेस्ट क्यों नहीं बनाऊं, इसमें रिटर्न क्यों नहीं बनाऊं, तो उसने शेयर मार्केट में लगाने लग गया। कोई ट्रैक नहीं कर रहा था, सब खुश थे ना, बैंक को अपना पैसा मिल रहा है, जिसको पैसे देने उसको पैसा मिल रहा है, सब लोग खुश है, ये भी अपना पैसा कमा रहा, तो किसी के ध्यान में नहीं लग रहा था। प्रॉब्लम तब आ गई जब अचानक से रिकंसिलिएशन में, जब बैंक रिकंसाइल कर रही थी, स्पेसिफिकली उस टाइम पे SBI रिकंसाइल कर रही थी, तो वहां पर एक गैप दिख गया 550 करोड़ का, 550 करोड़ का, विच वॉज अ बिग अमाउंट। और कहीं ना कहीं उसने काफी लोगों की नींदें उड़ा दी कि भैया बैंक्स वाले की भाई कुछ तो घपला हो गया, और दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बाहर आ गया तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। प्रॉब्लम बैंक के साथ ये भी थी कि उस समय पे सही टाइम पे उन्होंने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं किया, जिसका एडवांटेज कहीं ना कहीं मेहता साहब लेने लग गए। अच्छा। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दो, हर्षद मेहता पूरी तरीके से गलत भी नहीं था। क्यों?
बिकॉज ये उस टाइम पे एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी. हाँ. उस टाइम पे हर बंदा कर रहा था. हर्षद मेहता का स्केल बड़ा था, हर्षद मेहता को हर कोई देख सकता था, बस ये डिफरेंस था. इट इज़ जस्ट लाइक कि आपको पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग कुछ गलत काम भी करते हैं, छोटे लोग भी करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, लेकिन फंसता कौन है, हमेशा नाम आता है बड़े लोगों का. तो यही वाली चीज़ है. तो हर्षद मेहता का ये स्कैम था, जिसके बाद काफ़ी लोग कहते हैं कि एक जर्नलिस्ट ने उनको एक्सपोज किया. एक जर्नलिस्ट ने उनको एक्सपोज नहीं करा था, एक व्यक्ति था जो नॉर्मल सा था, वो बढ़िया अपनी कर्ड राइस खाता था. वो पहला बंदा था जिसने जाके इन्फॉर्म किया था अपने SBI को कि बॉस ये वाली प्रॉब्लम हो रही है. SBI ने कुछ एक्शन नहीं लिया था उस समय पे. फिर ये धीरे धीरे बैंक ऑफ कराड़ के पास गया, उधर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया. फिर वो जाके जर्नलिस्ट को सप्लाई किया, और जर्नलिस्ट को इसलिए सप्लाई किया बिकॉज उस समय के एक बहुत बड़े बिग बियर थे जिन्होंने इनको पैसा दिया था. सो कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे को कॉल करके बोला, भाई यार मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, प्लीज कोई स्टॉक बता दो या कोई तरीका बता दो अच्छे स्टॉक ढूंढने का. मैंने बोला भाई खुद रिसर्च करके ढूंढ ले. उसने बोला यार मेरे को पता ही नहीं है किस तरीके से स्टॉक मार्केट में स्टॉक को रिसर्च किया जाता है. फिर मैंने सोचा ये प्रॉब्लम तो आप भी फेस कर रहे होगे, तो उसका सोल्यूशन क्यों ना निकाला जाए. तो फिर क्या, मैं निकल गया उस रास्ते में जहाँ पे मेरे को ढूंढना था अगला अदानी और MRF. लेकिन इस रिसर्च में मेरे को ये पता चला यार मेरे से नहीं हो पाएगा. मैंने पूरी मेहनत करी, हर एक तरीके से रिसर्च करा, अपने दोस्तों को कॉल करा, टिप मांगी उनसे, लेकिन समझ में आया अरे ये सब तो फालतू चीज़ है. फिर मैंने सोचा यार मेरे को ऐसे वैल्यूबल स्टॉक तो मिलने नहीं वाले, इस दुनिया जहां में कोई एक ऐसा टूल होगा जो कि मेरी हेल्प कर सकता है. और फिर मेरे को जाके मिला रिसर्च 360 बाय मोतीलाल ओसवाल, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं. लेकिन सबसे पहले अपने दोस्त को बता दूं. भाई कंफ्यूज हो गया हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. अरे यार कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए ना एक ऐसा रामबाण लेके आया हूँ जो कि तेरी स्टॉक मार्केट की सारी प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है, जिसका नाम है रिसर्च 360 बाय मोतीलाल ओसवाल, जहाँ पे तेरे को रिसर्च, रिकमेंडेशन, एजुकेशन सब कुछ प्रोवाइड करी जाएगी. एंड दोस्तों यूजुअली ना ये सारी चीजें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऐप पे देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर है. और जब भी मैंने अपने दोस्त को चीज बताई वो बहुत ही ज्यादा शौक हो गया, और हो सकता है आप भी शौक हो जाओ और सोच रहे हो यार उमेर इसमें है क्या, थोड़ा समझा तो सही. तो दोस्तों जो मैंने अपने दोस्त को समझाया था वो मैं आपको समझाता हूँ. तो सबसे पहले जैसे आप इसको डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऐप है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि यार आज की मार्केट इंडियन किस तरीके से थी, कितना पॉइंट अप है, कितना पॉइंट डाउन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा. अगर आप ग्लोबल मार्केट भी चेक करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो. अगर आपको नहीं पता यार ग्लोबल मार्केट अगर खुश होगी, अच्छी तरीके से चलेगी, तो हमारी मार्केट भी यार उसको फॉलो करने वाली है. तो ये डाटा आपके पास होना चाहिए एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर, या अगर आप एक इन्वेस्टर भी हो तो. अब अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लोग ना FII DIIs की जो सेलिंग है बाइंग है वो देखने ट्विटर पर जाते हैं या डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट चेकआउट करते हैं, उसका भी सोल्यूशन यहाँ पे आ चुका है. आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी बाइंग हुई, कितनी सेलिंग हुई बाय DII एंड FII, जिसकी मदद से आपको समझ में आ जाएगा कि यार नेक्स्ट दिन का जो मार्केट का मूव होने वाला है एज अ ट्रेडर वो किस तरीके से होने वाला है. एक बोनस चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि यहाँ पे आपको मार्केट के सेंटिमेंट भी पता लग जाएंगे कि मार्केट साइडवेज है, बुलिश है, बेयरिश है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा. और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये देखना है कि यार कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो यहाँ पे सेक्टर एनालिसिस भी आपके लिए करके देते, मतलब टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस ये आपके लिए प्रॉपर करके दे रहे हैं, जिससे जो आपका काम है ना वो बिल्कुल इजी हो जाए, आपको ये पता चल जाए कि यार ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है. और साथ ही साथ आपको स्टॉक की रिकमेंडेशन भी दे देते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा. जैसे यहाँ पे आप देखोगे फर्टिलाइजर का स्टॉक है, केमिकल का स्टॉक है, साथ ही साथ ऑयल एंड गैस का स्टॉक है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि यार ये मार्केट अच्छा परफॉर्म करने वाली है आने वाले दिनों में. प्लस यहाँ पे आपको इंडस्ट्री के एनालिसिस भी देखने को मिल जाएगी, न्यूज जो लेटेस्ट आती है वो भी यहाँ पे आप एक्चुअली देख सकते हो. दोस्तों यार इनके बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, इनको आप खुद जाके चेकआउट करो. लेकिन आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना कि स्टॉक हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, या अगर कोई हमें बता दे कि अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो मैं आपको बता दूं मोतीलाल ओसवाल CB रजिस्टर्ड है, सो दे हैव फुल राइट्स आपको रिकमेंड करने के लिए एक ऐसा स्टॉक जिसमें टारगेट और स्टॉप लॉस भी ये बताते हैं. अगर आप एमओ एडवाइस पे जाओगे और यहाँ पे स्टॉक आइडियाज पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर स्टॉक के बारे में बताएंगे कि यार कौन सा टारगेट प्राइस है, कब लेना है, कब बेचना है, सारी चीज़ें, स्टॉप लॉस क्या रखना है, ये सब कुछ ये प्रोवाइड करते हैं. और लेट्स सपोज अगर आप FNO में करना चाहते हो काम, बहुत सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन से पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो ये उसकी भी कॉल एंड टिप्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो. लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपने दोस्त हनी को भी समझाया, और मैं यही सेम चीज़ आपको भी समझाना चाहूँगा. अब देखते हैं जो मेरा दोस्त है जिसको मैंने सारी चीज़ें समझाई, ये आपको क्या बोलता है.
ठीक है भाई, मैं भी रिसर्च 360 बाय मोतीलाल ओसवाल ट्राई करता हूँ। एंड गाइस आप भी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, ये बिग बेयर कौन थे जिसकी आप बात कर रहे हो? और हाँ, इसी के एडिशन में क्वेश्चन पूछूंगा, इसके बारे में क्या सीरीज में बात हुई है? तो ये बिग बेयर के बारे में तो बात हुई है, ही इज मनु मुंद्रा, मनु मानिक, जिसको अच्छा। ब्लैक कोबरा कहते थे। ब्लैक कोबरा क्यों? क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल डार्क था। अच्छा, ये वो व्यक्ति थे जो जब रिंग में उतरते थे ना तो सबकी रूह कांपने लग जाती थी, सब पांव भी छूते थे। वो रीजन इसलिए था बिकॉज वो सीरीज में दिखाया था, अगर किसी स्टॉक को हाथ लगा लेते तो खत्म करके छोड़ देते, वो स्टॉक छोड़ो कंपनी खत्म कर देते थे। कंपनी इन द सेंस, कंपनी का अगर सीईओ बनना है, मनु भाई ने बोल दिया ये बंदा सीईओ बनेगा तो वही बंदा सीईओ बनेगा और कोई नहीं बन सकता। किसी और ने बना तो चार पांच दिन बाद कंपनी के अते पत्ते नहीं दिखने वाले, ऐसे ऐसा ज्यादा शेयर ऐसे तोड़ते थे वो। मतलब वो सिर्फ शेयर, देखो उनके पास मेन क्या था उस समय के, वो खुद ही एक बैंक थे समझ लो, प्राइवेट बैंक, वो फाइनेंसर थे। वो क्या करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप मेरे पास आए, आप बोले मेरे को शेयर बाजार में पैसा डालना, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है भाई ना, तू ले मुझसे पैसा, महीने का 4% दे, चार क्या 10-10% दे, महीने का 10% दे, साल का नहीं बोल रहे हैं, महीने का 10% दे। अब मान लो 100 लोग आपके जैसे आए मेरे पास, मुझे तो पता है ना कि आप कौन से शेयर में पैसा डाल रहे हो, मुझसे ही पैसा लिया हुआ है, तब ज्यादा शेयर भी नहीं थे। लेट्स से आप XYZ शेयर में डाल रहे हो 100 लोग, अब मुझे अगर मैं मनु मुंद्रा हूं, मुझे पता है कि 100 लोगों ने इस शेयर पे डाला हुआ है, सब ने ब्याज लेके डाला, मतलब इनके पास पैसा तो है नहीं, तो ब्याज तो मैं कमाऊंगा ही, साथ में अब बाकी पार्टी को मिलकर इसी शेयर को तोड़ूंगा। तो क्या होगा, अब जब शेयर गिरेगा आपको तो डर लगे ना, EMI भरना है, पैसे तो रहेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे पूरे, तो जो बचा है फटाफट लॉस में बुक करो, फिर पैनिक सेलिंग हो गई। हाँ। तो जो 100 रुपए का शेयर है एक हफ्ते के अंदर आ गया 50 रुपए में, मैंने शॉर्ट करके भी पैसा कमाया और आपसे भी कमाया। मनु मुंद्रा ये करते थे, तो मनु मुंद्रा वॉज द बिग बेयर एट दैट टाइम। भड़क थी क्या हर्षद मेहता से? हाँ, तो सीन क्या हो गया था कि मनु मुंद्रा, अब देखिए उस समय पर ना BSE के लाइसेंसेस मिलते थे, तो इनको लाइसेंस मिला हुआ था और आप जान के हैरान हो जाओगे, लाइसेंस उस समय पे 1-1 करोड़ के जाते थे, इनके पास 50 लाइसेंस थे। तो आजकल जो 50 करोड़, तो और ये लेट 80s की बात कर रहे हैं, तो आजकल जो लोग 5 लाख में उछल रहे हैं, कर लो तो बहुत ही करोड़, मतलब वो ऑलरेडी बड़े लोग हैं, तो आजकल जो सब लाख में उछलते हैं वो लोग भैया 50 करोड़ के तो लाइसेंस थे। तो जब ACC के शॉर्ट बन रहे थे तब मनु मानिक ने भी बनाए थे, दो नाम और लेता हूँ आपके लोग गेस करेंगे कमेंट्स में, RKD RJ नाम के थे उनके शिष्य थे, उन्होंने भी बनाए थे। तो इन लोगों ने बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए थे और ACC अपने इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब वैल्यू के काफ़ी ऊपर लेके चले गए हर्षद मेहता, बिकॉज हर्षद मेहता ने अपने बर्थडे के दिन पे जब वो 300 के आसपास था प्रॉमिस किया था कि 1 साल के अंदर मैं इसको 9000 पे लेके आऊँगा। आप बिलीव नहीं करोगे, अपने बर्थडे के दिन लेके आया था, उस दिन 90% लोगों ने उसी के आसपास बुक भी किया था, क्योंकि उसने यही बोला था, इसके आगे उसने ये बोला ही नहीं था कि मैं 15,000-16,000 लेके जाऊंगा, तो 90% लोगों ने पैसा बना लिया था उस समय पे। वो जस्ट 10% है जो वेट कर रहे थे कि भैया अब हर्षद भाई इसको 15,000-20,000-40,000 ले जाएंगे। अरे भाई हर्षद खुद बोला है कि 9-10 हज़ार तक लेके जाएगा, तो क्यों बैठे हुए हो? तो कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो इनके पास ना 50 लाइसेंस थे उस टाइम पे, 50 करोड़ के। तो हर्षद मेहता के टाइम पे ना वो शॉर्ट शॉर्ट करके 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 तो इनको लाइसेंस गिरवी रखने पड़ रहे थे, तो इनके पास बचे गिनती के, फिर वो हर्षद मेहता बुलरन चला, वो बुलरन चला रहा था, मार्केट ही पूरा खींच दे रहा है, ACC को अलग ही लेवल पे लेके जा रहा है, तो वो इतना ज्यादा खींच दिया ना कि इनके पास लाइसेंस ही नहीं बच रहे थे, इनके पास गिनती के शायद 20 या 21 लाइसेंस बचे, 50 से 20 हो गए। अब आप खुद सोचो यार, एक स्टॉक में अगर ऐसी हालत हो जाए मेरी, कोई एक बंदा आके चैलेंज करे और मेरे पूरी जीवन भर का जो मेन मेरा स्रोत है आप उसको चैलेंज करके मेरे बिकवा दो, तो मैं तो खुन्नस तो खाऊंगा। और यही चीज हुई थी, इसलिए मनु मानिक इतने जोर शोर से पड़े हुए थे हर्षद मेहता के पीछे। अच्छा, मैंने आपकी वीडियोस में भी देखा कि मनु मानिक की किसी और से भी लड़ाई हुई थी, लेकिन उसमें वो हार गए थे। हाँ, तो वो धीरूभाई जी थे। अच्छा, धीरूभाई अंबानी। तो धीरूभाई अंबानी जी का देखो, रिलायंस को लोग इतना क्यों मानते हैं हमारे देश में, उसका दो रीजन है। रिलायंस ने ट्रस्ट नहीं तोड़ा है लोगों का। हाँ। दूसरी चीज, उन्होंने दिखाया है कि अगर पूरी दुनिया भी हमारे अगेंस्ट हो जाए, हम वापस वहां से उठेंगे। धीरूभाई सर ने इस चीज को प्रूव किया था। तो क्या हो गया था कि एक्चुअली में उनके एक फ्रेंड है, काफी क्लोज फ्रेंड है, उनको उन्होंने 1600 करोड़ का घर भी गिफ्ट किया हुआ है। आपके फ्रेंड करते हैं वैसे ऐसा कुछ गिफ्ट? नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं यार मुझसे ही ले जाते पैसे। तो सीन ये हो गया था कि उन व्यक्ति ने तो मनु मुंद्रा ने और कोलकाता का एक पूरा बेयर गैंग्स था, इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार हमको ना इनका शेयर तोड़ना है, क्योंकि रिलायंस बहुत हाइप हो रहा था। तो इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया उस समय पे, जहाँ तक मेरे को ध्यान है 30 लाख शेयर्स फ्लोटिंग पे थे, जिसमें से कि इन लोगों ने डिसाइड देख लिया कि 21 लाख शेयर मार्केट में दिख रहे हैं हमको। तो इन लोगों ने ना शॉर्ट बनाने हर जगह से शुरू किया, कोलकाता से शॉर्ट बन रहे, बॉम्बे से शॉर्ट बन रहे, हर जगह से शॉर्ट बन रहे। अब ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें प्रमोटर के पास थी, मतलब धीरूभाई सर के पास थी, तो उनको पता लग गया था कि मार्केट में फ्लोटिंग ही इतना है, तो ये शॉर्ट करते करते भावनों में इतने बह गए कि जितने शेयर्स भी नहीं उससे ज़्यादा ये लोग शॉर्ट करने बैठ गए। तो उस समय पे क्या होता था, सेटलमेंट साइकिल 15 दिन की होती थी, 15-20 दिन की, 30 दिन की, जैसे आज फ्यूचर्स में बोलते हैं कि एक्सपायरी होती है, वैसा वो एक
सेटलमेंट होता था। और सबसे बढ़िया चीज़ है, आज तो क्या होता है कि अगर एक्सपायरी हो गई तो आपको बंद करना ही पड़ेगा, उस टाइम पे भाव तोल करके हो जाता, अरे भाई ये ऊपर का 1% और रख ले और कैरी फॉरवर्ड कर ले। तो लोग ऐसा बहुत लंबा कैरी फॉरवर्ड करते 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 लेके जाते थे, लंबे शॉट, मतलब मान लो आपने जनवरी का शॉट बनाया दिसंबर तक ले जाते हो इस तरह का। तो इस तरह से क्या हो गया कि इन लोगों ने पहले कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब उस समय पे एक सिस्टम होता था बदला सिस्टम। बाय द वे आपके व्यूअर्स को मैं बता दूं, सब लोग सोचते हैं ना कि राकेश जी ने इतना ज़्यादा पैसा कैसा कमा लिया या उस समय के लोगों ने कैसा कमा लिया, उसका पहला रीज़न तो है बदला सिस्टम। बदला सिस्टम इज इक्वल टू 100x ओवरनाइट लेवरेज। इसका मतलब क्या हो गया कि आज अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100, आप उतने शेयर्स आज के दिन उठा सकते हो ओवरनाइट पोजिशनल। जो आज फ्यूचर्स में हमको 3x मिलता है वो 100x था उस टाइम। तो ये वन ऑफ द मेजर रीजंस था। जो आप लोग सेसा गुआ की स्टोरी सुनते हो कि राकेश जी ने इतना ज़्यादा पैसा बनाया, वो कैश में नहीं बनाया था, उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे और वो बदला सिस्टम में उनने लेवरेज लिया हुआ था। अदरवाइज कभी दिमाग लगाओ 5,000 से 50,000 करोड़ कोई शेयर ही नहीं गया है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, धीरूभाई सर को एक चीज़ ट्रैक हो गई कि भैया कोई तो टीम है जो इसके अगेंस्ट है, और उन्होंने ट्रैक कर लिया कि ये कौन है, मनु भाई की टीम है, मनु मुंद्रा और सारे लोग मिलके ये कर रहे हैं, कोलकाता गैंग ये लोग हैं। तो इन्होंने लगाया दूसरा दिमाग, और पहली बार इतिहास में इंडिया में हुआ, इन्होंने राउटिंग करवाई और बाहर से पैसे आके अचानक से बाइंग होने लग गई। अच्छा, अब बियर्स लोग डरने लग गए कि यार हम सेल कर रहे हैं, ये तो गिर ही नहीं रहा, उल्टा ऊपर जा रहा है। बियर्स लोगों के डरने लग गए, क्यों? क्योंकि अगर बेयर्स लोग हार जाते तो ये हम और 80s के स्टार्टिंग में जा रहे हैं, उनको 5 करोड़ का नुकसान होता, सब सड़क पे आ जाते। मनु भाई तो चलो किसी तरह मैनेज कर लेते, सब 5 करोड़ का नुकसान, आप समझो अर्ली 80s में। ऊपर से धीरू भाई ने दूसरा प्लान लगा दिया। ये जो बदला सिस्टम हमने जिसकी बात करी उस पर एक चीज़ लगा दी, उमदा बदला। ये क्या होता है, देखिए बदला क्या होता है कि जैसे मान लो हम दोनों के बीच में बदला सिस्टम हो रहा है, तो आप क्या मैं बोलूंगा कि यार उमेर भाई इसको और थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कर लो, आप डिसाइड करोगे कितना परसेंटेज में आप मेरे को कैरी फॉरवर्ड करने दोगे। बोले अभिषेक भाई 1% तो आपको देना पड़ेगा पर शेयर, ठीक है। तो धीरू भाई सर उसी सिचुएशन में थे, वो कमांड करेंगे कितना उमदा बदला। तो उस टाइम पे यूजुअली रूल चलता था कि आप इतना ही 1 या 2% के हिसाब से करोगे, उन्होंने बोला 10%। उन्होंने बोला मैं लेता हूँ इनकी, बोला 10%। तो ये बोले अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि राइट उसी के पास होती है जिसके पास जो शेयर ओन करता है। हाँ। तो उन्होंने लगा दिया 10%। तो बेयर्स परेशान, अब वो कैलकुलेट कर रहे हैं, बोले अभी तो 5 करोड़ का नुकसान होगा अगर इनके झांसे में आ गए तो, ये तो यार लपक, हम तो सब सड़क पे आ जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। तो धीरे धीरे बेयर्स ने अपने पोजिशन काटने लग गए, लॉस होने लग गए और फिर वो ऊपर आ गया। एंड दैट इज़ वाई आज भी लोग बोलते हैं कि यार धीरू भाई सर से पंगा नहीं लेना। अच्छा बाय द वे बाद में उसी के ठीक 4-5 साल बाद पार्लियामेंट में जब डिस्कस किया गया तो वहाँ से यही इशू वापस उठा था कि उसी साल जिस साल ये पूरा फाइट हुआ था, रिलायंस के पास अचानक से USUAE से बहुत ज़्यादा पैसा आया था, बट उसका कोई ट्रैकिंग नहीं है और आज तक कोई ट्रैक नहीं कर पाया कहाँ से आया। अच्छा हम फिर से बात करते हैं हर्षद मेहता के बारे में, तो क्या गलतियाँ करी थी उसने कि जिसे वो पूरा यू नो इतना बड़ा एम्पायर जो था वो एकदम ख़त्म सा हो गया, क्योंकि आपने उन्होंने बता दिया क्या क्या स्कैम किया था, एक एक्चुअली लूप होल ढूंढना था जिसकी वजह से उन्होंने प्रॉफिट कमाया, लेकिन ये स्कैम किस तरीके से यू नो फेमस हुआ और क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने करी जिस वजह से आई थिंक ये बचा भी जा सकता था इससे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। क्यों फंस गए, ठीक है मिस्टेक्स बता देते हैं अपन, तीन क्या रीजंस थे। पहला मिस्टेक फ्लेमबॉयंट नेचर, सिंपल सा है। जैसे कि आप इस चीज़ को समझिए, हाथ में एक गोल्फ कोर्स है, साथ में आप एक 15,000 square feet के वर्ली के सी फेसिंग ऑफिस के सामने, घर के सामने आप एक बहुत ही फेमस मैगजीन को अगर आप इंटरव्यू देते तो कहीं ना कहीं ये सीक्रेटली नहीं कर रहे हो, आप सबके नज़र में आ रहे हो। सही बात है, आप कह रहे हो कि मैं सीक्रेटली SBI के साथ मीटिंग करने जा रहा हूँ और SBI के ऑफिस के सामने 45 लाख की एक लेक्सस खड़ी होती है जिसके सामने भीड़ जम जाती है, तो वो सीक्रेट मीटिंग नहीं होती, पूरी दुनिया को पता है मेहता साहब इधर है। तो पहली चीज़ थी उनकी एक शो ऑफ की नेचर बन गई थी वो हर जगह पे, बिकॉज उनके ना ईगो पे थोड़ा सा हल्का सा आ गया था कि यार बड़े लोग जिस तरह से जीते मेरे को उस तरह से जीना है, तो वो पहला चीज़ शो ऑफ हो गया। दूसरा रीज़न हो गया था भैया कॉरपोरेट्स उनके अगेंस्ट हो गए थे। प्रॉब्लम क्या थी कि वो उनको काफ़ी सारे लोग कॉरपोरेट रेडर समझने लग गए थे, क्यों? बिकॉज हर्षद मेहता जिस हिसाब से स्टेक ले रहे थे, ग्रासिम में स्टेक ले लिया, ACC में स्टेक ले लिया, 15-20% स्टेक लेने लग गए थे। एक सिंपल सा रूल है, जिस समय पे 51% स्टेक आप किसी कंपनी का ले लेते हो आप कंपनी के ओनर बन जाते हो। तो काफ़ी बड़े बड़े लोग जिन्होंने आज तक हर्षद मेहता को हल्के में लिया था वो सोचने लग गए भाई यार ये अगर स्टेक लेने लग गया इस तरह से तो ये तो पूरा हमारी कंपनीज को रूल करेगा, ये पेट्रोकेमिकल सीमेंट सब पे रूल करेगा, और अगर सब में रूल करेगा तो इंडिया रूल कर लेगा एक तरीके से, यू आर सो पावरफुल। तो कहीं ना कहीं इसके कारण सारे पावरफुल लोग
हमारे देश में डरने लग गए थे. याद रखो, पावरफुल पीपल ऑलवेज वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड. वो अपने हाथ से कंट्रोल खोना नहीं चाहते. पावरफुल लोग मतलब बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, एवरीबॉडी टुगेदर. नेक्सस बना लिया, वन अगेंस्ट मैनी हो गया. जो WWF में चलता था ना, एक टैग टीम रहती थी और दूसरा सामने वाला अकेला. ये वाली चीज हो गई थी हर्षद मेहता. तो दैट वॉज द सेकेंड थिंग. तीसरी चीज थी, थोड़ा सा तो ईगो आ गया था. एक एग्जाम्पल देता हूँ, 1989 के आसपास, 1990 के आसपास एक इनकम टैक्स का रेड इनके घर पे पड़ता है. इनकम टैक्स का रेड जब पड़ता है तो एक जो छोटा एम्प्लॉय होता है इनकम टैक्स वाला, तो इसको ना बड़ा चमका देते हैं ये. चमका, अरे तुम क्या ही कर लोगे यार, पैसा वैसा ले लो, ऐसा वैसा करके ज़्यादा हल्के में ले लिया. बट यू नेवर नो कब किसका ईगो कैसा हर्ट हो जाए और वो आगे जाके क्या प्रॉब्लम कर ले. तो वो जो ईगो में आके उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत लोगों को हर्ट कर लिया. इंडोर नाम के शेयर पे ये धनाधन लॉन्ग सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसमें मनु मानिक शॉर्ट थे, तो उधर मनु मानिक को उन्होंने हर्ट कर दिया. इनकम टैक्स वाले आ रहे, उनको उन्होंने हर्ट कर दिया. मीडिया वालों में बार बार बाइट्स दे के ब्रोकर्स को हर्ट कर दिया. तो कहीं ना कहीं उन्होंने ईगो बहुत कॉट किया. सो दीज वर द थ्री रीजन जिसके चक्कर में हर्षद मेहता के इतने दुश्मन बने. पे अगर हम बात करें हर्षद मेहता की, तो और भी बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला या और भी बहुत सारे ट्रेडर्स के जो आज करोड़पति माना जाते हैं, जो कि एक्चुअली ट्रेडिंग को बहुत गलत दिखाते हैं, इन्वेस्टिंग को बहुत ऊपर दिखाते हैं. और ये भी मेरे को सुनने में आता है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इनकी जो स्टोरी होती है, बोलते हैं हम नीचे से उठ के आए थे, ये क्या सही होती है या झूठ होती है, बताओ थोड़ा सा. सिंपल सा, विजय केडिया सर कहते हैं कि यार मैं काफ़ी गरीब, और डिस्क्लेमर, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हम बस इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं. विजय केडिया सर कहते हैं कि मैं बहुत नॉर्मल घर से आया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था. इनके घर के पास एक BSc का लाइसेंस था. आप समझ लो, हमने प्राइसिंग डिस्कस कर ली ऑलरेडी. सही बात है. रमेश जी बोलते हैं, रमेश दमानी सर बोलते हैं, जो आज डीमार्ट में भी एक अच्छे पोजीशन पे है. तो रमेश जी से एक बार पूछा गया था कि भाई आपकी शुरुआत कैसे हुई, तो उन्होंने बोला यार मेरे पिताजी ने अर्ली 80s में मेरे को US पढ़ने के लिए भेज दिया था, और US भेजने के साथ मेरे को $10,000 दिए थे और बोला था ये $10,000 सिर्फ और सिर्फ तू मार्केट में लगाएगा, और गिरा भी दिया, गवा भी दिया, तो मेरे को कोई फर्क नहीं है. 3 महीने में उन्होंने पूरा खत्म कर दिया. तो क्या आपको लगता है बहुत पुअर घर से थे 1980s में, $10,000 US में पढ़ने जा रहे विदाउट लोन? ठीक है, दूसरा. तीसरा आप बोलोगे कि अरे नहीं नहीं भाई, लेकिन लेट राकेश जी तो बहुत ही हम्बल वो थे. बिल्कुल हम्बल थे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जस्ट इमेजिन करो, 8 साल की उम्र है आपके घर पे, बिकॉज आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो, घर पे हर बंदा आके अगर शेयर मार्केट की बात करेगा, आपके और हमारे घर में कौन रहता है जो 8 साल की उम्र में आसपास शेयर मार्केट की बात हो रही है, तो हमारी इंटरेस्ट भी जगेगी. तीसरी चीज़ है. चौथी चीज़ है, आप बोलोगे कि नहीं नहीं भाई, लेकिन जो RKD हैं वो तो बिल्कुल हम्बल वो हैं. बिल्कुल हम्बल है, मैंने मना नहीं किया. दुर्भाग्यवश उनके पिताजी का मृत्यु हो गया था जब वो 31-32 के थे. बॉल बियरिंग का इनका बिजनेस था, साथ में इनके पास ब्रोकिंग लाइसेंस था. ब्रोकिंग से उस समय पे इन लोगों ने ऑलमोस्ट 5-6 करोड़ ऑलरेडी कमा के रखे हुए थे. तो आप एक चीज़ समझिए, रैक्स टू रिचेस स्टोरी बस चिपकाई जाती थी, और आज के दिन पे भी रैक्स टू रिचेस स्टोरी. अब इंटरनेट पे जाके देख लो, हर दूसरा बंदा 500 रुपये से ही शुरुआत करता है. आप खुद देख लो, 500 रुपये से शुरुआत करके हर कोई बंदा करोड़पति बन जा रहा है. सिंपल सा है, 4 साल में पता नहीं क्या हो जाता है. और वो सबने किया, 3 चीज़ें, पैशन है, मेहनत है, और उसके बाद हसल है. बस ये 3 चीज़ें कर ली हैं और उसके बाद हो रहा है. तो ये सारी कहानियाँ चिपकाई जाती हैं, बेची जाती हैं. तो ऐसा नहीं है. दूसरी बात है, एक काफ़ी लोग बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं हमारे तो सारे ये लोग, जो आपने एक चीज़ पूछी ना, ट्रेडर थे कि इन्वेस्टर थे. आपके लोगों को एक शॉकिंग चीज़ बताता हूँ. वॉरेन बफेट सर हर कोई कहते हैं दुनिया के बढ़िया इन्वेस्टर हैं. उन्होंने खुद ने शुरुआत ट्रेडिंग से करी थी. आप जाके देखो, बफेट पार्टनरशिप नाम की एक चीज़ थी, 25 साल तक उन्होंने बफेट पार्टनरशिप करी थी. उनकी होल्डिंग पीरियड रहती थी उस समय पे 5-7 मंथ्स. 5-7 मंथ्स इज नॉट इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग 366 डेज एटलीस्ट होना चाहिए. लेकिन फिर आपके दिमाग में सवाल होगा कि ये लोग फिर अपने इन्वेस्टर क्यों बोलते हैं. आ रहा है आपके दिमाग में क्वेश्चन? सिंपल सा है, PR, इमेज. हमारे देश में या पूरे विदेश में ट्रेडर्स को आज भी गैम्बलर्स कहा जाता है, जुएबाज कहा जाता है. प्लस इनको एक चीज़ पता है कि पब्लिकली अगर जाके सीधे बोला जाए तो 95% लोग वैसे भी नुकसान करने वाले हैं ट्रेडिंग में. तो ये पब्लिकली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना चाहते कि मैंने जाके बोला कि ये क्या. और इसका सिंपल सा प्रूफ है, इसलिए आप देखना राकेश जी अपने बायो में लिखते हैं ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, लेकिन वो बोलते नहीं है कि तुम जाके ट्रेडिंग करो. तो ये रीज़न है. तो अभी तक के आपने जो भी पढ़ा है स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको कौन सा ऐसा व्यक्ति लगता है यार जो स्टॉक मार्केट का सबसे बढ़िया ट्रेडर था, जिसने बहुत पैसा कमाया है? तो अभी तक का सबसे बढ़िया ट्रेडर है BNF, बैंक निफ्टी नहीं कह रहा हूँ, BNF उर्फ तकाशी कोटेगावा, जापानीज ट्रेडर है. ये जापानीज ट्रेडर अकेला एकमात्र इंडिविजुअल ट्रेडर है जिसने $1 बिलियन इंडिविजुअल अकाउंट में बनाया. कुछ लोग कहेंगे जिम साइमंस, जॉर्ज सोरोस, ये सब हेज फंड चलाते हैं, खुद का फंड नहीं है, दुनिया भर का फंड चलाते हैं, उसका कट लेते हैं. इस बंदे ने अपने फंड में कराया. इसका छोटा सा मैं आपको किस्सा बता देता हूँ. इसको ना जेकॉम मैन भी बोलते हैं.
बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है. तो एक चाइनीज़ कंपनी थी मितू शुती करके कुछ, उनके अजीब ही नाम रहते हैं थोड़े से. तो उस तरह से कंपनी थी, ब्रोकिंग कंपनी थी. तो उन्होंने कहा था, अपने एक डीलर को बोला था कि हमको 61 लाख जो शेयर्स हैं वो हमको, नहीं 61 लाख रुपीज़ में एक शेयर बेचना है, 61 लाख रुपीज़ में येन में एक शेयर बेचना है, क्योंकि उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा चल रहा था. इस बंदे ने गलती से क्या कर दिया, उसने उल्टा डाल दिया, उसने डाल दिया 61 लाख शेयर्स एक येन में बेच रहा है, और वो एग्जीक्यूट भी हो गया, क्रैश हो के धड़ 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 धड़. और उस समय पे ये तकाशी कोटेगावा इस चीज को नोटिस कर रहा था, मार्केट बोले यार ये क्या हो गया, कोई स्कैम तो हुआ नहीं है, कोई स्कैंडल हुआ नहीं है, और एल्गो सारे ट्रिगर हो गए जिसके चक्कर में धड़धड़ गिरने लग गया. इस बंदे ने ना सारे कौड़ियों के भाव पे खरीद लिया, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़. अच्छा, किसी और की गलती थी, इसने इसने उसका एडवांटेज ले लिया. ओके, उस बंदे को तो नौकरी से निकाल दिया. ऑब्वियसली निकालेंगे भाई, तुम तो कंपनी की वाट लगा दी. एक $1 बिलियन कंपनी, रातों रात भी नहीं है, दिन दिन के अंदर तुमने फुटपाथ पे लिया. ये बंदा ना अब नेगोशिएशन करने लगे, इसको पता था कंपनी आएगी अब मेरे पीछे, कंपनी पहले इसको धमकाई, ये डरने का नहीं है. बहुत नेगोशिएट कर करके इसने कुछ $1 मिलियन तो इधर कमा लिए. इसका पहला ब्रेक था, ठीक है. ये बंदा प्योर शॉर्ट सेलर है. अच्छा. ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये मार्केटों को फ्यूचर्स, जो फ्यूचर्स बोलते हैं ना, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ये फ्यूचर ट्रेडर है, ये इंडेक्स बेचता था. जब उसको दिखा तो ऐसे कर करके एक बार इसने जापानीज इंडेक्स को बेचा, एक महीने के अंदर उसने $30 मिलियन कमा लिए, और इसकी लाइफ बिल्कुल शॉर्ट थी. रेमन खाता है, बस देखता है और ट्रेड करता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं. तो इस बंदे ने इतना तगड़ा 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 ग्रोथ करा. और जापान में लिक्विडिटी अच्छी है, इंडिया की अगर बात करें तो इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है, जापान में लिक्विडिटी अच्छी है. तो ये बस अपने रूम में बैठे बैठ के $1 बिलियन कमाया. तो अभी तक का जो बेस्ट ट्रेडर है, जो टेक्निकल एनालिसिस लगा के ट्रेडिंग बना रहा है, वो है तकाशी कोटेगावा उर्फ BNF. जिंदा है अभी? अभी बिल्कुल जिंदा है. अच्छा, बाय द वे उसको एक जन बीट कर सकता था, एक इंडियन, जानना चाहोगे कौन? हाँ, कौन? वो था नविंदर, बट वो अनफॉर्चुनेटली जेल चले गया. नविंदर राव, चलो इसका छोटा सा किस्सा बताता हूँ. हाँ. तो नविंदर भाई साहब, इसको जस्ट विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, मजा आएगा इस चीज़ पे, और रियल स्टोरी है, आप लोग चेक कर सकते हो. तो नविंदर भाई एक नॉर्मल पंजाब से, अपने देश से वो निकल गए. पंजाब लोग अगर विदेश में बोलते हैं तो एक ही जगह जाते हैं, कनाडा. कनाडा तो कनाडा उनके घर वाले जा रहे थे, तो ये भी चले गए उनके अर्लीज में. तो इनका हमेशा तलब थी कि मेरे को कुछ अलग करना है, हटके करना है, मेरे को बिलियनर बनना है, मिलियनर बनना है, दुनिया का रिचेस्ट बनना है इनका, और बेस्ट करना है, जो भी करना है. तो इनने पहले इधर दुनिया भर के काम किए, कुछ काम नहीं गल रहा था. फिर अचानक से एक अखबार पढ़े, और इनको ना नंबर्स का बड़ा शौक था, मतलब नंबर्स इन द सेंस, उस समय पे US में तो मल्टीप्लेयर गेम्स आ गए थे, तो ये मल्टीप्लेयर खेल खेल के फीफा में ये वर्ल्ड के कुछ टॉप रैंकर्स में आ गए थे, और इस तरह से ये बिल्कुल करते थे. इनके ऐसे शौक नहीं है कि भैया बड़ी बड़े गाड़ी लो, घड़ियाँ लो, इस तरह से इनके शौक नहीं है. तो इनके इसमें क्या हो गया कि ये एक बार अखबार में पढ़ते हैं कि भैया एक ओपनिंग निकली एक ब्रोकिंग हाउस में कि इनको बहुत सारे फ्यूचर ट्रेडर चाहिए. तो उन्होंने बोला चलो इधर हाथ आजमाते हैं. उस कंपनी में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बढ़िया बनाया, लेकिन उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा था क्योंकि उनको खुद का करना था. तो उन्होंने ना अपने बेडरूम में बैठ के काम शुरू कर दिया. बेडरूम में बैठ के वो पहले ट्रेड करके अपना अकाउंट बढ़ाया, फिर उन्होंने एक कंसेप्ट को मास्टर कर लिया, स्पूफिंग. स्पूफिंग क्या होता है? तो बेसिकली आपने देखा होगा, आज अगर आप बाय और सेल ऑर्डर देखते हो तो अचानक से आपको दिखता है बहुत सारे बाइंग ऑर्डर आ गए, बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर आ गए, ऊपर नीचे हो रहे हैं. तो ये बहुत सारे मशीन्स क्या करते हैं, ये अचानक से ऑर्डर लगाते हैं और हटा देते हैं. अब मान लो बहुत सारे बाय ऑर्डर अगर लग रहे हैं, आप बहुत सारे बाय ऑर्डर अगर लग रहे हैं इंडिविजुअल जैसे देखोगे तो आपको क्या लगेगा, बाइंग आ रही है. लेकिन जस्ट इमेजिन मैं सिर्फ आर्टिफिशियली उस चीज़ को बना रहा हूँ और एक सेकंड में अगर हटा दूँ, तो ये बंदा वो करने लग गया. फिर इसको पता लगा कि यार मार्केट में एल्गो सिस्टम्स आ गए, 2006-2007 के आसपास एल्गो सिस्टम आने लग गए. तो ये अपने आप को ट्रेन करके एल्गोस बनाने लग गया. अब मजे की बात हो गई, एक दिन क्या हो गया कि भाई साहब ने स्पूफिंग की इतनी स्पीड बना ली थी कि एक एक मिनट में 650 ऑर्डर्स बड़े बड़े क्वांटिटी के डाल देते थे, मतलब $200 मिलियन की स्पूफिंग कर देते थे, मतलब लगाए हटाए लगाए हटाए लगाए हटाए लगाए, समझ गया इस तरह से. तो अब क्या हो गया, उस दिन इतनी ज़्यादा स्पूफिंग कर दी कि दुनिया के बड़े बड़े एल्गोस कन्फ्यूज़ हो गए, और उसी दिन अचानक से मार्केट, US का मार्केट बिना किसी रीजन 7% गिर गया. अब इनको पता था कि भैया अब स्पूफिंग करी है, ये तो ऐसे ही गया. तो ये जनाब ने एक्चुअल में बाइंग कर ली फिर नीचे से, कि बोले कोई रीजन तो है नहीं, मेरे कारण ही गिरा हुआ है. और इन्होंने लपक पैसा कमा लिया. आपको मैं बता दूं, अपनी पीक में वो हर महीने इतना कमाते थे जितना रोनाल्डो साल में कमाता था. अच्छा, रोनाल्डो जितना साल में हर चीज़ को मिला के कमाता था, ये हर महीने कमाते थे, इनफैक्ट हर वीक तक आ गए थे, इतना कमा रहे थे. तो ये तनातन, और बेडरूम में बैठ के कुछ नहीं, और हुडी पहन के घूमते रहते थे, फुटबॉल खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, किसी को नहीं पता, उनके घर वालों को नहीं पता इतना पैसा बना है. उम्र थी इतने. हाँ, तो अब सीन क्या हो गया, लेकिन इतना बड़ा जब वो कांड हुआ तो रेगुलेटर्स पीछे पड़ गए
कि भैया कुछ तो गड़बड़ हुई है, फेड एफबीआई पीछे पड़ गई, बड़े इंस्टीट्यूशंस को कोई बकरा चाहिए था। हमारे देश में ना, हमारे देश के पूरी दुनिया में बकरा ही बनाया जाता है। जैसे उधर हर्षद मेहता का अकेला बना दिया कि 10,000 करोड़ का स्कैम उसी ने किया, अकेला कर सकता है 10,000 करोड़ बिना सपोर्ट के, तो वैसे इधर सब पे आ गया तो उसको जेल वेल हो गया। अब बेचारे के साथ थोड़ा लक बड़ा बेकार था, ये जितना पैसा कमाता था इसको पैसे का शौक नहीं था, तो उसने बोला यार फ्यूचर के लिए ना मैं इसको एक इन्वेस्टिंग एडवाइज़र को दे देता हूँ, रजिस्टर्ड एडवाइज़र को, भैया वो मेरे पैसे बढ़ा लेगा। वो रजिस्टर्ड एडवाइज़र खुद स्कैमर निकला, तो उसके सारे पैसे उसने डुबा दिए। पहली चीज़ वो हो गई, तो उधर से पैसे गए, जेल गए, लेकिन जेल में कॉपरेट किया तो उसको छोड़ा। अदरवाइज वो अगर वो रहता जिस तरह की स्किल्स हैं, जिस तरह का अभी भी जिंदा है, लेकिन क्या कर रहा है वो नहीं पता है, हो सकता है हम जब बात कर रहे हैं वो बैंक निफ्टी निफ्टी हिला रहा होगा, बट वो इस तरह का, वो नविंदर राव करके बंदा है जो सबसे बड़े नैव कहते हैं उसको, नैव। मैं एक रियलिटी बताऊँ आपके, इसमें दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग फोर्ब्स लिस्ट में भी नहीं है। अच्छा, एक बार एक फोर्ब्स के इंटरव्यूअर को पूछा गया कि आप दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, दुनिया भर के ये बड़े बड़े लोगों को आप लिस्ट में क्यों नहीं लाते हो रिचेस्ट के, उसने सीधा बोला भाई साहब अगर हम असली वालों को लाने लग गए ना तो बिजनेसमैन कहीं दिखेंगे ही नहीं, ना जेफ बेजोस दिखेगा ना बिल गेट्स दिखेगा, जो रिचेस्ट लोग हैं वो नज़र में नहीं आना चाहते। रीज़न क्या है? बिकॉज सिंपल सी बात है, दे नो कि द मोमेंट वो मीडिया के सामने आएंगे वो अपनी चीज़ें एक्सपोज करेंगे, लोग क्यूरियस होंगे, लोग जानना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पूरे मार्केट को दुनिया भर में चलाती है ब्लैक रॉक है, लेकिन ब्लैक रॉक के ऊपर आप ज़्यादा आर्टिकल्स देखोगे नहीं, क्यों? क्योंकि 90% मीडिया को वो कंट्रोल करती है। क्यों करती है? क्योंकि अगर आज उनके बारे में कोई बोलेगा तो 10 कमेंट्स और आएंगे, फिर रिसर्च होगा, वो चाहते ही नहीं है। दुनिया के जो सबसे रिचेस्ट फैमिलीज हैं, रॉस चाइल्ड्स बोलते हैं, रॉकफेलर्स हो गए, इनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बस पुरानी कहानियाँ मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ट्रस्ट बना लिए हैं, इन लोगों ने काफ़ी ऐसी चीज़ें बना ली हैं जहाँ पर अपना पूरा एसेट लगा दिया। दे डोंट वॉन्ट टू, दे आर कंट्रोलिंग द मार्केट। इनफैक्ट जो कंसेप्ट इल्यूमिनाटी का भी आता है वो भी एक्चुअली में कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट्स। अच्छा, ये हर्षद मेहता का चेला बोला जाता है केतन पारेख को, तो इन्होंने क्या सेम स्कैम किया था या कुछ डिफरेंट स्कैम था, और कितने स्केल पर स्कैम हुआ था ये? देखो स्केल तो हमेशा बढ़ता जा रहा है, 10,000 करोड़, 30,000 करोड़, अभी तेलगी नाम की एक सीरीज़ आई है वो 1,00,000 करोड़ माना जाता है, 1,00,000 करोड़ माना जाता है, तो ये तो स्केल बढ़ती गई। तो केतन पारेख की अगर मैं बात करूँ तो केतन पारेख के 3 गॉडफादर थे। सबसे पहला एडवांटेज था, पहला गॉडफादर कौन था? हर्षद मेहता हिमसेल्फ, उन्हीं के अंदर इंटर्न किया था, ग्रूमोर के अंदर, ठीक है। दूसरा उनका कौन था? पल्लव सेठ। पल्लव सेठ अगर आपको सीरीज में याद होगी तो एक मस्त वाला बंदा नहीं था, पार्टी वार्टी करता रहते हैं। अच्छा हाँ हाँ, तो वो हो गए। तीसरा उसको सीरीज में प्रणव सेठ दिखाया है। हाँ, प्रणव सेठ। और तीसरे जो व्यक्ति थे वो इनके अश्विन मेहता, जो कि हर्षद मेहता के ब्रदर थे। तो हर्षद मेहता जब जेल में भी थे तब भी बोला था अपना बच्चा है, इसको थोड़ा हेल्प वेल्प करो, बढ़ाओ आगे, धंधा सिखाओ, ये अच्छा करेगा, इस तरह से। तो केतन पारेख को पहली 3 चीज़ें तो यहीं से सीखने मिल गई थी। केतन पारेख ने बेसिकली क्या करा था, 2 चीज़ें सीख ली हर्षद मेहता के कांड से। पहली चीज़, शो ऑफ नहीं करना है, जो शो ऑफ करेगा शेयर मार्केट में गवाह है, जो शो ऑफ करेगा वो गिर जाता है, सिंपल सी बात है। तो बोले शो ऑफ तो नहीं करना है, पहली चीज़ सीख ली कि भैया वो चीज़ नहीं करनी है। दूसरी चीज़ इन्होंने एक चीज़ ये सीख ली थी कि भाई जो अगर हम अपने, जैसे हर्षद मेहता अपने ही देश के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ कर रहा था और रिटेल का पैसा था, इसने बोला मैं इंस्टीट्यूशंस का पैसा ले आऊँगा, मैं FIIs का पैसा लाऊंगा, मैं बड़े बड़े बैंक्स का पैसा लाऊंगा। और दूसरी चीज़ इसने बोला कि यार अगर बैंक्स के थ्रू पैसा निकालना तो बैंक में कंट्रोल होना चाहिए। तो 2 बैंक्स थी, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक। तो इनमें बहुत ही छोटे छोटे बैंक, छोटे छोटे बैंक थे, इतने भी छोटे नहीं थे, ये अच्छे थे, बंद हो गए, खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसने ना स्टेक लेके ये खुद उधर का बोर्ड में बन गया था ताकि उसको आसानी पड़े। हर्षद मेहता किसी बोर्ड में नहीं था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गया था कि भैया सैंक्शन अपन को ही करना है, अपन ही पैसा निकालेंगे। तो ये निकाल निकाल के तो क्या हो गया था कि पैसा घुमाता था और वो पैसा सिर्फ 10 स्टॉक में मेनली घुमाता था, जिसको कहते थे K10 स्टॉक्स। अच्छा हाँ, बाजार में कहा जाता था कि ये 10 स्टॉक है जिसको KP भाई चला रहे हैं। तो अगर किसी ने बोल दिया कि भैया ये K10 स्टॉक है तो वो भग जाता था ऐसा। अच्छा। तो पेंटाफोर नाम की भी एक कंपनी थी उस समय पे आई थी, अभी भी वो K10 में से 7-8 स्टॉक हैं ऑलरेडी, KSCL करके काफ़ी सारी हैं। तो ऐसा माना जाता था कि ये उनके प्रमोटर से मिलते थे और साथ में नेक्सस करके किस दिन कौन सी खबर डालनी है, किस दिन कैसे उठाना, ये सारी चीज़ें इनका प्लान रहता था। तो ये ऑपरेटर ही थे, एक तरीके से ऑपरेटर थे। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर वो व्यक्ति होता है जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, या तो उसके पास ऐसा ग्रुप हो जिसके पास ढेर सारा पैसा हो और वो किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी को हिला सकता है, दैट्स इट, मैनिपुलेट कर सकता। और ये वही थे, सिंपल सा। तो केपी भाई सर्कुलर ट्रेडिंग करते थे। सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होता है कि सर्कुलर ट्रेडिंग और पंप एंड डंप वाले टाइप चीज़ करते थे। तो ये क्या करेंगे, जैसे उमेर और मैंने डिसाइड किया कि भैया आज इस शेयर को उठाना है, ठीक है, और साथ में अपन ये डिसाइड करते हैं उठाना क्या है, अपन को उसमें लोगों को फंसाना है। तो हम क्या करेंगे, मैं 10 रुपये में बाय करूंगा, तुम 10 रुपये 50 पैसे पे बेचोगे, फिर 10 रुपये 50 पैसे पे तुम बेचोगे, मैं 10 रुपये पे बाय करूंगा। एट द एंड नेट कॉस्ट 0 हो रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, लेकिन हम वॉल्यूम्स दिखा रहे हैं।
जब वॉल्यूम्स दिखेगा तो अचानक से जो वॉल्यूम फिल्टर लगा के बैठे हैं बोले अरे यार इधर तो इस शेयर में तो बड़ा वॉल्यूम हो रहा है, हर दिन अपन 5-5% थोड़ा सा ऊपर रख देंगे, जैसे ही पूरी पब्लिक आ जाएगी फिर हम न्यूज़ फैलाएंगे कि बहुत बढ़िया चीज़ है ये केतन पारेख करता था, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो रहा है, ये हो रहा है फलाना डिम का रशिया यूक्रेन, रशिया से 6000 जो भी आ रहा है वो सब हो रहा है, इस हिसाब से सारी चीज़ें कर ली। अब इसके कारण क्या होगा कि ये बढ़िया 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 शेयर जैसे ही वो 50 रुपये का शेयर पहुँचा 150 में ये डंप करके निकल जाते थे, रिटेल फंस गया तो रिटेल को पागल बनाते थे। ये ना बढ़िया चल रहा था, इनके पीछे भी बेयर कार्टल पड़ गया था। अच्छा तो बेयर कार्टल में सीन क्या हो गया था, सिंपल सा है, जो पुराने बेयर कार्टल में दो सदस्य बच गए थे, मनु भाई चले गए, ठीक है, और दो कौन से बचे सबको पता ही होगा, देख लेंगे कमेंट्स में अगर आ ही जाता है तो फिर अपन देख लेते हैं। तो ये जो दो बच गए तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि भैया शॉर्ट बनाएंगे, लेकिन ये बंदा बड़ा शाणा ही है, आसानी से नहीं आने वाला, शीला की जवानी जैसे हाथ ना आने वाला है, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि किसी तरह इसको फंसाना है, कैसे कर सकते हैं। तो इन लोगों ने ना जिस दिन शॉर्ट करने वाले थे प्रॉपर वाला, उसके 2 महीने पहले बाय करने लग गए। अच्छा, तो बोले यार आप सोचोगे ये बाय क्या, डिलीवरी बाइंग क्या होता है, आप होल्ड करके रख लेते हो, क्योंकि इन्होंने बोला अगर मार्केट में पैनिक बनाना है तो सिर्फ इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग से नहीं बात चलेगी, हम दिखाएंगे कि डिलीवरी सेल हो रही है, तो फिर लोगों को डर लगेगा ना यार, मतलब इन्वेस्टर बेच रहा है, इन्वेस्टर ये खुद ही थे। तो ये 10-11 लोग को साथ में लाके ये लोग डिलीवरी बाइंग करने लगे, एक दिन डिसाइड किया, और इन्होंने डिलीवरी बाइंग एग्जांपल लो 10 रुपये से अगर बाइंग कर रहे हैं तो दूसरे अकाउंट्स में 100 रुपये से शॉर्ट सेल आगे वाले मंथ्स के बनाते जा रहे हैं, मतलब लेट्स से जनवरी की बाइंग कर रहे हैं, मार्च में सेलिंग बनाते जा रहे हैं। अब जैसे ही वो दिन आता है, यशवंत सिन्हा जी का बजट आता है, और बजट इतना भी बुरा नहीं था, एक साथ सब मिलकर शॉर्ट मार देते हैं, और उस दिन एक गलती हो गई, केतन पारेख ने उस दिन डर के मारे अपना खुद का सेल बटन दबा दिया, जिसके 350 करोड़ की सेलिंग हो गई। 350 करोड़ की सेलिंग कुछ ही सेकंड में अगर कहीं पर होगी तो वो रेगुलेटर के नज़र में आनी है, रेगुलेटर ने ट्रेल किया, पता किया कि भैया क्या कांड हुआ, बाद में पता लगा भैया 30,000 करोड़ का ये पूरा लफड़ा हो चुका है, वो दोनों बैंक्स बंद हो गई हैं, क्योंकि बैंक्स के बीच में बैंक्स पीछे पड़ गई कि भैया पैसा दो, इसने पैसा तो है नहीं इसके पास, ये अटक गया। और फाइनल नेल इन द कॉफिन बेसिकली थी कि 2000 के आसपास 2001 में न्यू ईयर का टाइम है, बढ़िया ये भाई साहब, अब मतलब आज तक अपने आप को रोक के रखे हैं, बट क्या होता है जब पैसा आ जाता है तो लगता है कहीं तो खर्च कर दें, न्यू ईयर पार्टी फेंक दी, न्यू ईयर पार्टी में आ रहे हैं उस टाइम के बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस, राज मूवी के एक्टर एक्ट्रेस आ रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आ रहे हैं, और हर जगह बस फैल गई, 4 करोड़ की पार्टी थी। तो इस चक्कर में केतन पारेख पूरी तरीके से खत्म हुआ है। तो ये रिच ट्रेडर्स जो होते हैं ना, ये आपको इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इससे तो कोसों दूर रहते हैं, ये लोग नहीं रहते हैं। आज आप किसी को भी देख रहे हो, दे आर नॉट लेजिट रिच ट्रेडर्स। रीजन सिंपल सा है यार, मैं दैट इंक्लूड्स मी ऑल्सो, क्योंकि मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ और मैं पहले भी बोलता हूँ कि आप किसी भी ट्रेडर के उसमें देख लो, या तो ऐप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो एफिलिएट का लिंक मिल जाएगा, तो कोर्स का लिंक मिल जाएगा। अगर सही में कोई बंदा अंधा पैसा वाला रिच होता है ना, तो उसके पास कुछ नहीं होगा, या तो कोर्स होगा, मेरे भी सब कुछ है, मैं तो कुछ मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये आपको हर बंदा A to Z हर बंदा, चाहे वो बंदा बोल रहा है ना मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, तो भी उसका गूगल एडसेंस का अकाउंट रेफरल है, एडसेंस अकाउंट चालू है, क्यों है भैया, सब कुछ चालू है। तो ये है, तो ये लोग क्या रहते हैं, ये लोग अपने आराम से सुमड़ी में रहते हैं, इनका अलग सा ग्रुप रहता है, दे डोंट वॉन्ट टू रिमेन हाईलाइटेड। ये लोग बढ़िया अपने, मतलब ये फ़ोन भी रखेंगे ना जो कांटेक्ट करने के लिए, तो ये हमारा एप्पल वैप्पल नहीं रखते हैं, ये तो हम लोगों को ही शौक है शो ऑफ करने का थोड़ा बहुत, ठीक है, ये लोग रखेंगे वो नॉर्मल क्वर्टी पैड वाला जो नहीं रहता, वो नोकिया का 2800-2100 जो बोलते हैं, जबड़ा टूट जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल वही है, और जिसको 8 माले से भी फेंक दो तो नहीं टूटेगा, वही वाला हाँ, तो उस तरह के फ़ोन रखते हैं ये लोग, और बढ़िया अपने आराम से बैठते अपना काम कर रहे हैं, लाखों करोड़। आप अहमदाबाद चले जाओ, आप गुजरात चले जाओ, वहाँ पर बंदा कुर्ता पहनता है, स्कूटर चला रहा है, आपको लगेगा नॉर्मल इंसान है, वो अरबपति इंसान। तो इस तरह के ये लोग होते हैं, दे डोंट केयर अबाउट कमिंग ऑन। देखो यार, सोशल मीडिया में बंदा एक्चुअली में क्यों आता है, लेट्स फेस इट, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम फेम चाहिए, और दूसरा थोड़ा बहुत तो कमाना है, ऑब्वियसली बात है, कमाना है हर बंदा जो सोशल मीडिया पर, बंदा पैशन के लिए नहीं आता। एग्जैक्ट, अरे यार पैशन के लिए कोई नहीं आता यार, कोई नहीं आता, मेरे को भी पहले लगता था, लेकिन अब समझ में आया कोई नहीं आता, हर बंदा को पैसा चाहिए, फेम और पैसा। तो सिंपल सी बात है, इन लोगों के पास पैसा है, लाइमलाइट पे ये खुद नहीं आना चाहते क्योंकि अपने आप ट्रबल्स क्यों इनवाइट करें, तो इसलिए ये लोग साइड में रहते हैं। अच्छा, अभी बहुत सारे नए कंपनीज का आईपीओ लॉन्च हो रहा है, देखा होगा आपने, कुछ पापा अर्थ करके एक कंपनी है, ठीक है जी, तो उनके भी आईपीओ लॉन्च हुआ है बहुत ही रिसेंटली, और ऐसे बहुत सारे स्कैम भी हो चुके हैं आईपीओ के साथ, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो आईपीओस तो हमेशा से ना एक लोगों का कैरेट काटने की चीज है, ठीक है, आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, एक आईपीओ का स्कैम मेरे को याद आ रहा है, लोग गेस करेंगे कंपनी का नाम, मैं कंपनी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबसे सिंपल हिंट दे देता हूँ, 18 साल हो गए उस कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, 2000
18 साल नहीं, 2008 से लेके अभी तक आप मान लो 2023 तक 14-15 साल हो गए, अभी तक रिकवर नहीं हुआ उस लेवल पे। 1200 का लेवल उसने देखा था, 1200-1300 का, एक रियल एस्टेट की कंपनी थी। वैसे गेस करने के लिए मैंने बहुत चीज़ दे दी है दोस्तों, कमेंट में बता देना और लाइक ज़रूर कर देना। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें सीन क्या चीज़ हो गई थी। तो इस IPO के पहले ना अचानक से काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस होने लग गए थे जो रेगुलेटर के रडार पे आ गए। IPO आने के पहले ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस होने लग गए, तो रेगुलेटर एक चीज़ देख रहा है कि बहुत सारे अकाउंट्स खुले, करीब 3 लाख डीमैट अकाउंट्स नए नए खुल गए हैं, और वो 3 लाख डीमैट अकाउंट जैसे IPO का एलोकेशन हुआ है, वो एलोकेशन होने के बाद सारे के सारे अपने शेयर्स बेच रहे हैं IPO आने के पहले, और वो सारे जा रहे सिर्फ 5 अकाउंट में। ये बोले ये क्या सीन है, फिर अप्लाई क्यों किया था जब 5 को बेचना है? तो इनने थोड़ा डिग इन किया, तो अब इंटरेस्टिंग है, हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है इस बार, ऑपरेटर और स्कैम किया लड़की ने। अच्छा। मैडम पंचाल नाम था उनका, पंचाल मैडम। तो पंचाल मैडम ने सही दिमाग लगाया, उनके एक्चुअली 7 वाले ऑपरेटर थे। तो पंचाल मैडम ने अनाउंस करा कि भैया, उन्होंने एक चीज़ देख ली इंडियंस के बारे में, इंडियंस को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है फ्री, कुछ भी फ्री बोल दो भैया टूट पड़ेंगे। उन्होंने बोल दिया कि भैया फ्री फोटोग्राफीज हैं, आप आओ आपके 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खींचे जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। दुनिया भर की भीड़ लग रही है, मतलब इनने ऐसे कर करके 2-3 महीने में 10-20 हज़ार लोगों के ले लिया। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कहाँ जा रहे हो उसके फोटो, इसको फोटो चाहिए थे। और उस समय पे ना, ये क्योंकि अर्ली 2000s की थोड़ी बात कर रहे, तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, तो डीमैट खोलने के लिए फोटो मिल गया है। उस समय पे पैन कार्ड अगर 50,000 के नीचे का ट्रांजैक्शन हो रहा तो इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं होता था। तो काफ़ी सारे फर्जीवाड़ा करके एक ब्रोकर के साथ नेक्सस बना के इन लोगों ने बहुत सारे फर्जी अकाउंट खोले थे, और इनने बोला था कि जैसे ही एलोकेशन हो जाएगा हम सिर्फ 5 अकाउंट में सारे ले लेंगे, हमको तो पता है कि ये स्टेलर लिस्टिंग होगी, सारा का सारा पैसा हम कमा के इधर से निकल जाएंगे और लिस्टिंग के डे पे बुक कर लेंगे। तो ब्रोकर जब ये सारी चीज़ कर रहे थे तो सारे रिटेल सोचते थे कि हमको इसका कभी एलोकेशन क्यों नहीं मिलता है, जितने अच्छे IPO आ रहे उसका एलोकेशन हमको मिलता नहीं है। आप में से भी काफ़ी सारे लोग नोट कर रहे होंगे कि अच्छे IPOs के तो हमको एलोकेशन मिलता नहीं है, जितने सड़े होते हैं उन सबके मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कांड चला था। तो रेगुलेटर ने इन सब पर पकड़ लिया कि भैया ये तो 5 अकाउंट में मिलकर सारे धंधली कर रहे हैं और ये खुद ही रिगिंग कर रहे हैं, प्राइस भी खुद ही मैन्युपुलेट कर रहे हैं, ग्रे एरिया में मैन्युपुलेट कर रहे हैं। इसके बाद रेगुलेटर ने इनको धरा था। बाद में, बाय द वे हिंट दे दूं, बाद में इस कंपनी में एक पॉलिटिशियन के दामाद का भी नाम आया हुआ है, वादरा वा कुछ करके कुछ ऐसा नाम है, अब तो बता नहीं सकते, बता नहीं सकते, पता नहीं कोई है तो कभी फोन आ जाए, हाँ फोन पता नहीं आ जाए, डिस्क्लेमर जीवित व्यक्ति और भाई को तो बहुत सारे फोन आते रहते हैं ना, फोन नोटिस सब आते हैं, अरे भाई सब आते रहते हैं। अभी इतना बड़ा स्कैम कब करने वाले हो? नहीं यार भैया, स्कैम वैम नहीं करना है, अरे तुम डराओ मत यार, साले ये मत डाल देना सेवी को चैलेंज नहीं करना है बस। अच्छा, तो चलो बात करते हैं कि मार्केट कब कब क्रैश हुआ था। तो सबसे पहले तो आई थिंक 2008 में हुआ था जो मैंने सुना है, सबसे बड़ा 92 हुआ था, 92 के बाद 2000। अच्छा, 92 तो हर्षद मेहता ही हुआ, 2001 .com बबल हो गया। अच्छा, 2008 में हुआ लेमन, वो एक सबके दिमाग में है, रिसेंसी बायस होता है क्योंकि हमने रिसेंटली जितने लोग आए हैं उन लोगों ने वही सुना होगा। तो 2008 में एग्जैक्टली क्या हो गया था, लेमन ब्रदर क्राइसिस बोलते हैं। तो लेमन ब्रदर क्राइसिस में बेसिकली क्या हो गया था कि सब प्राइम लोन क्राइसिस भी कहते हैं उसको। तो इसको इस तरह से समझो कि उस समय पे जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, US की गवर्नमेंट थी, उसने कहा था कि हर बंदे के पास घर होना चाहिए, हर बंदे के पास घर होना चाहिए। US की गवर्नमेंट ने कहा था, मतलब उनने ऐसा प्लान किया कि सबके पास घर होगा तो सब खुश रहेंगे, सब वोट करेंगे इस हिसाब से, उस तरफ से ये था। तो बहुत ही अच्छी बात, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल कम कर दिए लोन के, और ऐसा हो गया कि बैंक्स ऐसे लोन दे रहे थे कि मान लो आपकी साल भर की इनकम 1 लाख रुपए हो गया, आपको 1 करोड़ का लोन मिल जा रहा था हाउसिंग के लिए। अच्छा, तो अब ऑब्वियसली बात है, आपको तो बंगले में रहना है तो आप तो रहोगे, लोगे धनाधन। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि लोग धनाधन घर खरीद रहे थे, इंटरेस्ट रेट हमेशा से लो था। फिर अचानक से गवर्नमेंट को समझ में आया भैया इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू हो गए तो लोन के दाम बढ़ने लग गए। अब लोन के रेट जैसे बढ़ने लग गए तो बंदे की सैलरी तो 1 लाख रुपये थी साल की, 1-2 लाख रुपये, उसने 1 करोड़ का लोन उठाया हुआ है। अब जब उसकी EMI 50,000 की आएगी तो वो थोड़ी देने वाला है, साला मैं साल भर का 2 लाख कमाता हूँ, 50,000 EMI कहाँ से भरूंगा। तो ये लोग घर छोड़ने लग गए, पहला प्रॉब्लम ये हो गया। उसके साथ दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि इनने मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज़ बना दी थी, CDOs बोलते थे उस टाइम पे, कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन। इसमें क्या करते थे, जैसे आपने लोन लिया और 100 लोगों ने लोन लिया, 50 लोगों का लोन 50 लोग दे सकते लेकिन बाकी 50 लोग नहीं दे सकते, इन सबको मिक्स कर देते थे, बंडल बना देते थे, और रेटिंग एजेंसी इसको A+ दे देती थी, बोलती थी कि मतलब समझ रहे हो, दूध में पानी जो मिला देते हैं उस हिसाब से, तो मिला देते थे तो रेटिंग अच्छी हो जाती थी। तो ये कर करके इसको भी एसेट क्लास बना के बेचते थे लार्ज लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये बेचे जाते थे। तो उस समय पे क्या हो गया, ये इतना ज़्यादा बबल बनने लग गया। जिस प्रॉपर्टी का रेट 2,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए वो 20,000 स्क्वायर फीट पे बिक रहा है, जिस बंदे को लोन मिलना ही नहीं चाहिए उसको 2-2 करोड़ के लोन मिले हुए हैं हाउसिंग लोन पे, वो घर छोड़ने लग गए। तो कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़ गई, डिमांड घट गई, उसके चक्कर में क्या हो गया कि प्राइस जो थे वो कहीं ना कहीं गिरने लग गए,
प्राइस जब गिरने लग गए तो कहीं ना कहीं इनके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम होने लग गया। तो क्या हो गया कि अचानक से कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया सारी। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया था, AIG नाम की एक इंश्योरेंस कंपनी थी, उसने US की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज को इंश्योरेंस दे के रखा हुआ था। वो खुद ट्रबल में आ गए कि भैया हम गिरने वाले हैं। और उस समय पे काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट बैंक्स थी, तो सारे इन्वेस्टमेंट बैंक के सारे CEOs को बुलाया गया और वहाँ पर बिठाया गया और उनको बोला गया कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस समय पे लेमन ब्रदर्स ने फाइनली बैंकरप्सी घोषित, मतलब लेमन ब्रदर्स को लग रहा था हम बच जाएंगे, गवर्नमेंट बचा लेगी, टू बिग टू फेल है। गवर्नमेंट ने बोला, फेड ने बोला भाड़ में जाए, तुमको नहीं बचा रहे, वो गई लेमन ब्रदर्स। लेमन ब्रदर्स के इनमें क्या मतलब काम इन लोगों ने बेसिकली क्या कर दिया था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग थी इन लोगों ने, इस तरह से आप समझो कि कमा 100 रुपए रहे थे लेकिन इनके बुक्स में 1000 रुपए के लोन थे। अच्छा, इस तरह से हो गया था। तो ऑब्वियसली बात है, जो हमने रिच डैड पुअर डैड में भी पढ़ा है, आपकी लाइबिलिटीज अगर बढ़ती जाएंगी, एसेट्स कम, और काफी सारे फ्रॉड गिरी थी, टॉक्सिक एसेट्स से, कोलेटराइज डेट ऑब्लिगेशन से काफी ज्यादा थी, तो इसका काफी रिपल इफेक्ट पड़ा। इंडिया की अगर मैं बात करूं 2008 में, बहुत कम लोगों को पता है, लोगों को पता है कि स्टॉक्स में सर्किट लगता है, उस समय पे इंडेक्स पे सर्किट लग गए थे 3 लोअर सर्किट बैक टू बैक। और उसी टाइम पे एक इंटरेस्टिंग बंदा था, एक करोड़पति बंदा बना था, उस बंदे ने 10,000 रुपए लगाए थे मार्केट में, मार्केट क्लोज होने से पहले उसने पुट ऑप्शन खरीदा हुआ था। मार्केट खुला अगले बार 1 करोड़ रुपए बन गए। क्यों? मार्केट ने 3 लोअर सर्किट दे दिया, इंडेक्स कभी सर्किट देता है उस समय पे पहली बार देखने देगा। वो बंदा देख के पागल, भले यार 10,000 लगा है, 1 करोड़ सैलरीड इंसान, 30,000 की नौकरी उसकी, वो तो मजे में है। बट 6 महीने बाद उसने वो भी गवा दिया, अलग से जेब के 4 लाख रुपए भी गए, ग्रीड। तो इस तरह से ये हुआ था किस्सा। अच्छा, जो मार्केट की मैनिपुलेशन होती है, मैंने सुना है बहुत बारी पॉलिटिशियंस करते हैं या ऑपरेटर्स के साथ उनकी सेटिंग होती है। तो देखो यार, पॉलिटिशियन से पंगे तो लेने नहीं चाहिए, हमारे देश में हर चीज़ पॉलिटिशियंस के साथ ही होती है। हाल फिलहाल में भी कुछ केसेस चल ही रहे हैं मार्केट में, आपको पता है पॉलिटिशियन से पंगे लिए और क्या हो गया। तो पॉलिटिशियंस 2-3 तरीके से करते हैं। एक होता है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है, आज के टाइम पे भी काफ़ी सारे ट्रेडर्स को पॉलिटिशियंस अपना पैसा मैनेज करने के लिए देते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए देते हैं। उनका कहाँ से पैसा था, क्या था, सोर्स मुझे नहीं पता, दैट इज नंबर वन, दैट इज वन वे, जानो भी मत, जानने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या होता है कि आप देख रहे होगे कुछ कंपनीज होती हैं जिसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई पॉलिटिशियन का बेटा होता है। अच्छा। या फिर कोई पॉलिटिशियन का दामाद जी होते हैं, नेपोटिज्म तो इधर भी होता है, तो उस चक्कर में इनको ना फेवरेटिज्म मिलता है। इस तरह से एक कंपनी थी साउथ की, उस पर काफी ज्यादा फेवरेटिज्म मिल रहा था और उसमें एक पॉलिटिशियन का बेटा इंक्लूडेड था, इन्वॉल्व था। तो ये इस तरह से दूसरी चीज होती है। और तीसरा चीज होता है, कभी नोटिस किया होगा, ये मैं कमेंट्स में देखना चाहूंगा लोग क्या कहते हैं, कभी नोटिस किया होगा कि जब भी कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था, सेंट्रल बैंक या किसी के थ्रू भी होने वाला रहता है, तब अचानक से मार्केट एक बहुत बड़ा मूव देता है। आपको क्या लगता है, ये पहले से प्लान नहीं होता होगा? इसमें भी पॉलिटिशियंस का हाथ होता है। तो पॉलिटिशियंस का अलग अलग तरीका होता है। एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं, 2020 में मार्केट पूरी तरीके से गिर रहे हैं, किसी का कोई अता पता नहीं है, मार्केट 7,500 पे निफ्टी है, अचानक से दिल्ली से कुछ कॉल्स जाते हैं 2 बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूशंस को, एक इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस की कंपनी है, दूसरी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। मार्केट उस दिन अपना बॉटम बनाती है, उसके बाद पिछले 3 साल से मार्केट उधर तक नहीं गई है। ये किसने है, दिस इज द पावर ऑफ पॉलिटिशियंस। तो है, पॉलिटिशियंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो उन्होंने गिराई थी मार्केट, कमेंट्स में लोग बताएंगे। लोगों को लगता है ना कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो हमेशा बहुत सारा पैसा बना लेगा, दैट इज द बिगेस्ट मिथ। बात है एक ट्रेडर की जिसका नाम है निकलीसन। अब ये बंदा जाता है अपने 22-23 साल की उम्र में, इसका सिलेक्शन हो जाता है एक बेरिंग्स बैंक नाम की बहुत बड़ी बैंक है, 250 साल पुरानी है, क्वीन एलिजाबेथ का अकाउंट है यहाँ पर। आप सोच लो कितनी बढ़िया पुरानी बैंक है, 250 साल पुरानी बैंक है। UK में इसकी पोस्टिंग होती है, उसके बाद वो वहाँ से ट्रांसफर लेता है सिंगापुर में, क्योंकि परफॉर्म अच्छा करता है। वो वहाँ पर ना ट्रेड करने लगता है, धनाधन ट्रेड करने लगता है कंपनीज के अकाउंट में। आप जान के हैरान हो जाओगे कि अचानक से क्या होता है, वो और उसके ट्रेडर्स को पहले एक थोड़ा नुकसान हो जाता है 10-12 करोड़ का। तो वो 10-12 करोड़ को जैसे तैसे करके मैनेज कर रिकवर कर लेता है। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये 10-12 करोड़ का इसको लॉस होता है, तब ये अकाउंटेंट के पास जाता है। तो अकाउंटेंट से पूछता है कि भाई यार ये लॉस है, इसको मैं क्या करूं? तो उसने बोला देखो, हर महीने हमारा बैंक एक सेपरेट अकाउंट बनाता है, उसको बोलते हैं लॉस प्रिजर्विंग अकाउंट, तो वो तुम एक बना लो और अगले महीने में तुम प्रॉफिट जब करोगे तो वो नेट ऑफसेट हो जाएगा। तो उसने बोला अच्छा, इसका मैं क्या नंबर दूं? तो ये असिस्टेंट से पूछता है इसका नंबर क्या दूं? तो बोले 8 रख लो। बोले क्यों? क्योंकि चाइनीज के हिसाब से 8 नंबर इज वेरी लकी, तो 5 डिजिट का नंबर बनाता है। तो इसने एक अकाउंट नंबर बनाया 8888 कि भैया सबसे लकी, इसमें ये लॉस डालने लग गया और फिर वहां से जब प्रॉफिट होता था ऑफसेट करता था। प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले 1-2 बार तो उसने वापस प्रॉफिट करके उसको ऑफसेट कर लिया, अब लॉस पे लॉस बढ़ते जा रहा है। ये बैंक के क्लाइंट के अकाउंट्स पे भी ट्रेड करने लग गया, बैंक के क्लाइंट्स को पता नहीं है। बैंक्स खुश हो रही हैं क्योंकि उनको बोनस मिलते जा रहा है, उनको ये नहीं पता कि बंदा कितना घाटे करते जा रहा है, कैरी फॉरवर्ड में लॉस चलते जा रहा है। फाइनल स्टोरी तब ब्रेकडाउन होती है कि भाई साहब ये एक फाइनल बेट खेल लेता है ऑप्शंस में, बोलता है यार ऑप्शन से मैं पूरी रिकवरी कर लूंगा, मैं अपने ऑप्शन बहुत कैपिटल लॉस कर चुका होता अपना,
ये 600 करोड़ बैंक के निपटा चुका है अभी तक. अच्छा. बैंक को पता ही नहीं है, बैंक बोनस दिए जा रही है, ये दिए जा रही है. बैंक की सेटिंग थी या कुछ नहीं, तो ये क्या करता था, बैंक के लूपहोल निकाल देते. ऑडिट के लिए जब आते थे तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखा देता था. तो बैंक का ही बंदा था ये बैंक के इंटरनल बंदा है जो बैंक के बिहाफ में. और बैंक के साथ प्रॉब्लम क्या थी, बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में थी, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में नहीं थी, तो उनको डेरिवेटिव्स के बारे में पता ही नहीं था. अच्छा अच्छा अच्छा. तो ये इनके साथ चैलेंज था. तो ये धनाधन धनाधन धनाधन. फिर इसने बोला यार 600 करोड़ कैसे रिकवर करूँ, एक ही चीज़ है कि मैं सारा लॉन्ग्स चले जाता हूँ, ऑप्शंस में बाय करके मैं इंडेक्स खरीद लेता हूँ. अब वो बोलते ना कि यार अगर किसी की किस्मत गधे की इससे लिखी हो तो क्या ही किया जा सकता है. भाई साहब ने पूरे लॉन्ग बनाए और जिस देश के लिए लॉन्ग बनाए टोक्यो में अर्थक्वेक आ गया. अब भाई साहब की हालत खराब, जब ये M2M देख रहे 1500 करोड़ का नुकसान, इनकी फटी. बोले यार अब तो बैंक वाले मेरी वाट लगा देगी, अब मैं क्या करूं. तो ये बोरिया बिस्तर लेके अपनी गर्लफ्रेंड को बोला चल निकलते हैं अपन घूमने चलते हैं, मालदीव जाते हैं अपन. तो ये बढ़िया भाग दौड़ के निकल ले. बोले 1500 करोड़ है, बैंक तो 9000 करोड़ की है, तो आराम से कमा लेगी, निकाल लेगी, ठीक है, और मेरे को नहीं ढूंढेगी. ठीक है, जो भी है, इनको गलती का एहसास होगा, रिस्क मैनेजमेंट बना देगी, मेरे को ढूंढ नहीं पाएंगे, मैं तो निकल गया. अब अगले दिन अखबार पढ़ता है तो पढ़ता है कि भैया बैंक तो कौड़ियों के भाव बिक रही है, बैंक खत्म हो गई. ये सोच रहा था 1500 करोड़ का नुकसान था, ये कैसे खत्म हो गए. प्रॉब्लम ये था कि भाई साहब सुबह सुबह भागे थे, ठीक है, और ये अपने पोजीशन क्लोज करना भूल गए थे. तो 1500 करोड़ के 9000 करोड़ का नुकसान हो गया. बैंक के पास 8000 करोड़ था. तो बैंक हो गई बैंकरप्ट. ओ भाई. तो भाई साहब ने 250 साल पुरानी बैंक को निपटा दिया. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जस्ट बिकॉज किसी के पास बहुत बड़ा कैपिटल, इसका मतलब ये नहीं है वो टिकेंगे. आप कितने साल से हो स्टॉक मार्केट? 11 साल से हूं यार. तो क्या क्या चीज़ें सीखी है स्टॉक मार्केट में जो कि लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो? पहली चीज़ ये है कि यार शेयर मार्केट एक जर्नी है, इंस्टेंटली 21 दिन में पैसा डबल के लिए कभी भी मत आओ. कोई बोल भी रहा है तो उसके पास मत जाओ, कोई भी हो. दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि अगर आप, आपके ना अलग अलग एसेट्स क्लास होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, और सबको अलग अलग टाइम लगता है. फॉर एग्जांपल मेरे गुजरात के फ्रेंड, उनको 12 साल लगा मार्केट को क्रैक करने के लिए. उसी प्रकार से अगर आप विजय सर की बात करो तो विजय सर को भी लग गया करीब 15 साल मार्केट को क्रैक करने के लिए. राकेश जी को लग गया था करीब 4 साल. तो सबका एक अलग ड्यूरेशन होता है, अपने आपको पुश मत करो, इट विल टेक टाइम. तीसरी चीज़ है लेवरेज, सबसे बड़ी बीमारी होती है. एक सिंपल सी बात है उमेर, कि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपकी औकात सिर्फ 10,000 की होती है लेकिन आप रिस्क लेते हो 80,000 की. दैट इज़ द रॉन्ग. आपके अकाउंट में अगर 80,000 है तो फिर ठीक है, बट आपके अकाउंट में 10,000 है, आप रिस्क ले रहे हो 80,000 के, तो आप तो रोड पे आने वाले हो, लोन वोन पे जाने वाले हो. लोन पे कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, बोरोड फंड्स पे कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, एंड फाइनली लर्निंग पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए. और वो लर्निंग किससे हो सकता है, मैं तो कहूँगा बुक्स आर द बेस्ट वे टू लर्न द बेसिक्स. और बाकी प्रैक्टिकल, जब तक आप 1,000 रुपये नहीं लगाओगे मार्केट में तब तक नहीं सीखे. 4 ऐसी बुक्स जो हर ट्रेडर को पढ़नी चाहिए. पहला हो गया रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर, ये आपको सिखाएगी कि किस प्रकार से आप लोगों को ऑपरेटर का माइंडसेट समझना पड़ेगा. दूसरा है आपको मार्क डॉगलस द्वारा एक किताब लिखी गई थी ट्रेडिंग इन द जोन, ये आपकी साइकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. तीसरी है टेक्निकल एनालिसिस बाय जे मर्फी, ये आपको पूरी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए हेल्प करेगी. और चौथा है जापानीज कैंडल स्टिक्स बाय स्टीव नीसन, ये आपको हेल्प करेगी कैंडल स्टिक किस तरह फॉर्म होते हैं, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी. अगर ये 4 किताबें पढ़ी तो ट्रेडर्स के लिए सबसे बेस्ट है. अच्छा वैसे आप लॉस में हो लेकिन इतने ज़्यादा चिल कैसे रहते हो? यार देखो इसका ना दो सिंपल सी चीज़ है. पहली चीज़ है 70 लाख का अमाउंट मेरे लिए इतना बड़ा नहीं है. इसको इस तरह से आप देखो ना यार, अगर किसी बंदे की सैलरी या उसकी टोटल नेटवर्थ, हमेशा नेटवर्थ से देखो, अगर नेटवर्थ ही 1 लाख रुपए है तो उसके लिए 70 लाख एक बड़ा अमाउंट रहेगा. सही बात है. 50 करोड़ का नेटवर्थ अगर किसी का होगा, सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो क्या उसके लिए 70 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी है, तो 1-2 करोड़ उसके लिए नहीं होगा. तो एक नॉर्मल इंसान के लिए स्वाभाविक सी बात है, बिकॉज दे आर लुकिंग फ्रॉम अ नोशनल वैल्यू. हमको परसेंटेज से देखना चाहिए. 70 लाख, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ. आपको पता है 1991-1992 में अमिताभ बच्चन 92 करोड़ के लॉस में था, उसका बिजनेस ठप हो गया था. अच्छा. अनिल अंबानी अपने पापा के पास गए थे, उनके पापा ने बोला था धीरूभाई सर ने तो टेंशन मत ले यार अमिताभ, क्योंकि उनके अच्छे रिलेशन थे, मैं तेरे को दे दूंगा. तो 92 करोड़ अगर मैं आज बोलूंगा तो लोगों को डर लगेगा, लेकिन वॉज इट बिग फॉर हिम? नहीं. कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार अमिताभ तो खुद एक्टर था और एक्टिंग सर्विसेज में कैसे नुकसान कर लिया. अरे हो जाता भैया, कभी कभार हो जाता है, कभी कभी वही एग्जैक्टली कोर्ट करा करने के लिए टाइम लगता है. एग्जैक्टली. तो एक सिंपल सा है, मैं चिल्ड इसलिए रहता हूँ कि मेरे लिए इट इज अ फ्यू परसेंटेज ओनली. एंड दूसरी चीज़ है यार उमेर, मैंने हमेशा से फोकस किया, इनफैक्ट मैं आपके सारे व्यूअर्स को भी कहूँगा, ऑलवेज हैव मल्टीपल इनकम सोर्सेज. हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट अ वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी, वी आर अ स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी. हमको अपने स्टेटस ज़्यादा प्यारा है कि हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा डॉक्टर है. अरे भैया इंजीनियर डॉक्टर नौकरी चलेगी तो क्या करोगे? एटलीस्ट 10 सोर्सेज ऑफ इनकम बनाओ, 5 सोर्सेज ऑफ इनकम बनाओ. तो मैंने अपने इनकम सोर्सेज इतना बना के रखे कि क्वेश्चन है मेरे को, मैं चिल कब नहीं रहता. अगर मेरे अकाउंट में केवल 1 करोड़ होता उसमें से 70 लाख चले गए होते, अगर मेरा टोटल नेटवर्थ 1 करोड़ होता 70 लाख जाते, तो मैं टेंशन में होता. तो केस इज अलग. तो
तो आप हमेशा परसेंटेज। अभी आपके कितने इनकम सोर्सेज हैं? अभी मेरे करीब करीब 9 के आसपास हैं। अगर मैं क्विकली बताना चाहूँ तो एफिलिएट इनकम हो गई है, मेरी एक छोटी सी ट्रेनिंग इनकम है, उसके साथ यूट्यूब का एडसेंस इनकम है, उसके बाद मेरी एक स्टार्टअप की कंसल्टिंग इनकम है। मैं खुद स्टार्टअप में 11 स्टार्टअप का इन्वेस्टर हूँ, वहाँ के इनकम है, उनमें से कुछ कुछ ऑलरेडी मिलियन डॉलर्स के रेवेन्यूज क्लॉक इन कर रहे हैं उसमें हुए। उसके अलावा मैं धीरे धीरे ब्लॉगिंग करने का भी सोच रहा हूँ, दैट इज़ द प्लान। उसके बाद आपका जो ब्रांड डील्स होती है, ब्रांड प्रमोशंस हो गए, उसके हैं, और दो हैं जो मैं अभी फिलहाल के लिए रिवील नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज वो हैं कुछ एक वो है, तो उस चक्कर में। तो मेरा यही कहना है कि जब आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होंगे ना, तभी आप सेटल डाउन होंगे।